कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म तेरा अपना कर्म। प्यारे बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के लिए हम आज आप लोग एकत्र हुए हो। आज वैसे हम इम्पॉर्टेंट भी लिखाएंगे, लेकिन यही है कि आप लोग जो है तो यहाँ ध्यान दीजिए। अभिषेक रजक जी, हाँ देखिए जरा सिद्धार्थ जी, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग पढ़ने चल रहे हैं और प्रयास मेरा ये है कि धीरे धीरे पढ़ाओ, अच्छे से समझ में आ जाए। देखो बच्चों, अल्टरनेटिंग करेंट, प्रत्यावर्ती धारा, आप सभी को आज इम्पॉर्टेंट भी थोड़ा सा लिखा देंगे। इम्पॉर्टेंट से जो है तैयार करते रहिए और परिभाषाएं। प्रत्यावर्ती धारा, यह चैप्टर है अल्टरनेटिंग करेंट। मस्त समझने का प्रयास करिए बेटा, अच्छे से आशा है। अल्टरनेटिंग करेंट, ठीक है बच्चों, प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करेंट, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। आ जाओ जल्दी से बेटा। प्यारे बच्चों, प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करेंट, इस चैप्टर में एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिकल क्वेश्चन इंटीग्रेशन का, कि प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज या प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान, मैक्सिमम मान क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वर्ग माध्य मूल मान प्राप्त करना, दोनों फुली न्यूमेरिकल है, मतलब इंटीग्रेशन समाकलन, इसलिए टफ होते हैं, बायो के बच्चों को डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन 3.5 नंबर 7 नंबर का बनता है एग्जाम में हमेशा, और इस बार भी दोनों में से कोई एक जरूर पूछा जाता है, दोनों पूछ ले वो एक अलग बात है। और बच्चों, इस चैप्टर में LCR सर्किट, L सर्किट, C सर्किट, R सर्किट में LCR परिपथ क्या है और उस पर सवालें यह भी पूछी जाती है, तो प्रयास मेरा यही है कि सबको अच्छे समझ में आ जाए, तैयार हो जाए, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कुछ शॉर्ट में बताएंगे, समझते रहिएगा। प्रत्यावर्ती धारा ऐसा बच्चों, प्रत्यावर्ती आपको तीन चीजें पढ़नी पड़ेगी, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल। कोई एक की परिभाषा आप पढ़ लेते हो तो शेष दोनों की परिभाषा आप बदल लोगे, नाम लिख उठेगा। यहाँ आपको हमेशा जिंदगी भर के लिए याद रहे, इसलिए मैं ऐसे समझाना चाहता हूँ कि आपको भूले ना। प्रत्यावर्ती शब्द में दो शब्द छिपा हुआ है, प्रेरित और आवर्त, दोनों मिला दो तो प्रत्यावर्त, प्रेरित धन आवर्त मिला दे तो क्या हो जाएगा, प्रत्यावर्त। तो अगर ये दोनों शब्द मिले हुए हैं इसमें, तो इन दोनों शब्दों का फिजिक्स में क्या मतलब होता है ये जानिए। आवर्त शब्द का मतलब है रिपीट करना, दोहराया जाना। आप जो है केमिस्ट्री में भी इस शब्द को पढ़े हो, देखो कितने बढ़िया स्टाइल से समझा रहे हैं। आवर्त शब्द आप पढ़ते हो मेंडलीव का आवर्त नियम, कि यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा जाए तो एक निश्चित क्रम के बाद समान गुणी तत्व पुनः आने लगते हैं। फिर आपने पढ़ा है आवर्त गति, आवर्त गति में भी आपने पढ़ा हुआ है अच्छे से इस शब्द को, कि अगर कोई वस्तु निश्चित पथ पर निश्चित समय में अपनी गति को दोहराते हुए गति करती है तो वस्तु की इस प्रकार की गति आवर्त गति कहलाती है। तो शुद्ध रूप से जानिए कि जहां कोई चीज दोहराई जाए, रिपीट हो,
फिजिक्स में वही जो है कौन सा शब्द यूज होता है, आवर्त। आवर्त का मतलब दोहराया जाना, माने हमको रिपीट शब्द आना है हेडिंग में। और प्रेरित का मतलब आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाले पाठ में पढ़ाए हैं, फैराडे चाचा की खोज थी कि यदि किसी कुंडली या बंद परिपथ से संबद्ध चुंबकीय पल्स में परिवर्तन हो तो तुरंत उसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, जिस विद्युत वाहक बल से बनता हो प्रेरित विद्युत वाहक बल। मतलब शॉर्ट में आ जाइए कि कोई कुंडली या बंद परिपथ का जो चुंबकीय फ्लक्स है वो बदले, तभी कौन सा शब्द यूज होगा, प्रेरित। तो प्रेरित शब्द का प्रयोग हम तब करेंगे जबकि किसी कुंडली, गौर से देखिएगा, किसी कुंडली या बंद परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो। जब तक ये नहीं होगा तब तक प्रेरित शब्द पैदा ही नहीं होगा। प्रेरित शब्द तभी हम इस्तेमाल करेंगे जबकि किसी कुंडली या उससे बंद परिपथ से संबद्ध चुंबक के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो। जब भी चुंबक का चुंबकीय फ्लक्स घटता या बढ़ता है तो ही वहां प्रेरित शब्द इस्तेमाल करते हैं। हम तुरंत कह देते हैं कि वहां एक धारा प्रेरित हो गई, जैसे स्वप्रेरण में पढ़ा था आपने, जैसे जो है अन्योन्य प्रेरण में पढ़ा था। तो कब जो है प्रेरित शब्द इस्तेमाल होता है, जब चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित हो। किसका चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित हो, चुंबक का। चुंबक का चुंबकीय फ्लक्स मतलब जो किसी कुंडली के समीप या परिपथ के समीप संबद्ध हो रखा हो। तो किसी कुंडली या बंद परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन इतना बोलोगे या इतना हो तभी प्रेरित शब्द आएगा, और कोई चीज दोहराई जाए तब वह आवर्त आएगा। दोनों मिलाकर प्रत्यावर्ती है, माने प्रत्यावर्ती में दोनों चीजें होंगी, ठीक है। तो होता क्या है दोनों चीजों में, ध्यान दीजिए कि अगर बेटा यहां पर जो है पिलर खड़ा कर दे बड़ा सा, मस्त समझिएगा, वैसे आपको पीछे की कक्षाओं में हम पढ़ाए हैं चुंबकीय फ्लक्स, याद करिए फाई बराबर बी ए कॉस थीटा पढ़ाए हुए थे। तो चुंबकीय फ्लक्स किस पर डिपेंड करता है, थीटा पर। थीटा का मान बदलता रहता है, चुंबकीय फ्लक्स बदलता रहता है। और आप ये भी जानते हैं कि थीटा बराबर जीरो हो तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा, बी ए का जीरो का जीरो पर एक, तो फाई बराबर बी ए आ जाता है। और थीटा बराबर नब्बे रहे तो फाई बराबर क्या हो जाता है, जीरो, चुंबकीय फ्लक्स मिनिमम। तो जीरो पर, जीरो अंश के घुमाव पर चुंबकीय फ्लक्स अधिकतम, और 90 अंश के जो है घुमाव पर या झुकाव पर चुंबकीय फ्लक्स शून्य। और एक बात याद आनी चाहिए, आप भूल गए होंगे, जब जो है चुंबकीय फ्लक्स विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाले चैप्टर में पढ़ाए थे तो हमने बताया था थीटा क्या होगा, याद नहीं होगा आपको, बताए थे और कहा था खास तौर से ध्यान रखिएगा सवालों को लगाने के लिए, अन्यथा आप जो है डिस्टर्ब हो गए। बताए थे कि जो कोण सवाल में दिया रहे कि एक कुंडली चुंबकीय क्षेत्र से 30 अंश के झुकाव पर रखी है तो थीटा बराबर 90 माइनस 30। तो थीटा निकालते हैं तो जो कुंडली का झुकाव तल होता है वो 90 से घटा के लिखते हैं। तो हमेशा ये बात समझ में आ रही है। अब आपके सामने एक हम प्रयोग करने जा रहे हैं, आप हमें जरा बताइएगा, ध्यान सुनिए। तो ये सब क्लासे हम बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं, फीस जमा कर दीजिए, ये दो दिन चार दिन कम पढ़ाए रहेंगे वो चलेगा, शिक्षक का आशीष मिलेगा आपको, और घरे बैठ जाए तो जो है फेल हो रहा है। हाँ यहाँ ध्यान दो जरा, थोड़ा पतली काफी कोई दो, इधर देखिए जरा,
अगर जो है आप सभी लोग समझने का प्रयास करिए, ये एक एक आपके सामने इस तरह से आकृति का जो है कोई एक हम कॉपी वगैरह लिए हैं, दफ्ती का टुकड़ा लिए हैं। सपोज करो ये आयत के आकार में मुड़ी एक कुंडली हो, मतलब ऐसे तार आया हो इस तरह से, ऐसे 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 यहाँ गिरा दिए और इधर वाला तार ऐसे 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 ऐसे, मतलब जो है आलोक भाई अगर समझो तो इस तरह से कोई एक आयताकार कुंडली है। किसी को दिक्कत? कुंडली को यहां हम लूप भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? गौर से देखिए, ये हमारा यहाँ पर क्या था, एक जो है पिलर बताए कोई खड़ा है चुंबक का, तो चारों तरफ क्या बनाया है, ये चुंबकीय क्षेत्र, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र है। अब इस चुंबकीय क्षेत्र में हम ये आयताकार कुंडली इस तरह से लेकर खड़े हो गए। आप सभी देख के बताओ कि आयताकार कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में कैसे रखी हुई है, लंबवत, लंबवत है कि नहीं? भाई ये चुंबक है, इसकी चुंबकीय बल रेखा है ऐसे पूर्व से पश्चिम की ओर है, और हमने कुंडली जो है क्षेत्र के तल के लंबवत रखी है कि नहीं? पक्का सोच के बताइए, मैं गड़बड़ ना हूं, लंबवत रखी है ना। अब अगर आपसे पूछे कि कुंडली और चुंबकीय क्षेत्र, कुंडली हमारे चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी है, तो कुंडली और चुंबकीय क्षेत्र के बीच थीटा बराबर 0। मारूंगा बहुत, अभी अभी समझाया था थोड़ी देर पहले कि जब थीटा जानना रहे तो जो भी कोण रहे उसको 90 से घटा के लिखेंगे, यही तो बताया था विद्युत चुंबकीय प्रेरण में, यही तो पढ़ाया है। तो यहां कुंडली हमको क्षेत्र में लंबवत दिख रही है, इसलिए थीटा बराबर 90 से घटा दो जो भी कोण रहे, तो यहाँ इन दोनों के बीच का कोण 90 दिख रहा है, तो 90 से 90 घटाएंगे 0, तो मतलब इस कुंडली के लिए थीटा बराबर। तो अब अगर इस कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स आपसे पूछे तो आप बता सकते हो पीए कास 0, मतलब फाई मैक्सिमम आएगा, बी आ जाएगा। तो मतलब जब कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी हुई है तो इससे गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स क्या है, अधिकतम। याद रखे रहना, अभी पूछूंगा था तो बताना, जब कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है फ्लक्स इससे कितना गुजर रहा है, अधिकतम, मैक्सिमम है। क्यों? क्योंकि फाई बराबर बी ए का 0 हो गया, का जिंक माने हो गया, समझ आया। अब इस कुंडली को गौर से देखना, 90 अंश क्षेत्र में घुमा दिए, कितना घुमाए, फ्लक्स कितना था कुंडली का, अधिकतम था, 90 घूम गई कुंडली। अब देखो कुंडली क्षेत्र के दिशा में हो गई, दिख रही है कि नहीं? वैसे भी जान लो घुमाव 90 हुआ है तो फाई बराबर बी ए कास 90, माने चुंबकीय फ्लक्स कास 90 का मान 0 होता है, तो अब चुंबकीय फ्लक्स क्या हो गया, कुंडली कितना घूमी, चुंबकीय फ्लक्स क्या हो गया, फिर उसके बाद कुंडली को 90 और घुमा दो, ठीक। अब देखो फिर ये कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो गई, और कुंडली वैसे 180 घूम गई, 90 90 180 घूम गई, तो यहाँ चुंबकीय फ्लक्स माइनस में हो गया, ये कास 90 वाला हिसाब किया, ठीक। 90 फिर घुमाओ, 270 घूमी, चुंबकीय फ्लक्स फिर से 0 हो गया, ठीक है, क्षेत्र की दिशा में आ गई कि नहीं, फिर 90 घुमाओ, चुंबकीय फ्लक्स क्या हो गया, फिर अधिकतम आ गया, आ गया ना। और कुंडली पूरा एक रोटेशन कर ली, एक राउंड लगा ली, कैसे एक राउंड लगा ली, देखो राउंड समझो, जैसे हम ऐसे कुंडली किए थे तो ये हम है, ठीक, फिर उसके बाद 90 घूम गए, कुंडली हमारे साथ है चिपकी हुई है, 90 घूम गई, फिर 90 और घूम गए, हमारी दिशा इधर हो गई, फिर उसके बाद 90 घूम गए, फिर 90 घूम गए, पूरा एक राउंड हो गया हमारा कि नहीं, है ना। तो जब हम 0 से 90 घूमे ऐसे, एक राउंड इस तरह से बनता है, तो यहां देखो जरा, जब 0 से आप 90 घूमे, 0 से 90 एक राउंड जो है ऐसे बनता है इस तरह से,
आदमी यहाँ चले चलते 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 फिर यहाँ जाए तो ग्राउंड हो जाता है। अब यहाँ पर देखो एक ग्राउंड तब बनता है आप जब 0 से 90 चलते हो। इसको कहते हैं पहला चौथाई, चौथा चक्कर कर लिए कि नहीं, चौथाई चक्कर लगा लिया, फिर 90 और चलते हो, ये 90 से 180, तो सही सही यहाँ से चल के आप यहाँ पहुंच गए तो माने एक चौथाई दो चौथाई माने आधा चक्कर लगा लिया। यहां से आप आधा आ गए, आधा चक्कर हो गया। फिर उसके बाद आप 180 से जो है 270 चले तो फिर एक आधा और चलिए 3/4, और फिर 270 से 360 चलते हो तो फिर से आप पहले जैसे अवस्था में आ जाते हो, एक चक्कर आपका पूरा हो जाता है। तो मतलब एक बात और हमको बताओ, जब कुंडली 90 घूमी तो उसने कितना चक्कर लगाया? 1/4। 180 तक घूम गई तो 270 घूम गई था पक्का, और अगर जो है 360 घूम गई तो दो बातें माइंड में आपके फील हो गई, कितने अंश में कितना कुंडली चक्कर लगा रही है, और एक बात फील हो गई कि कब कब चुंबकीय फ्लक्स अधिकतम है और कब कब चुंबकीय फ्लक्स न्यूनतम है। भूल गए, एक बार फिर से देखो, कुंडली कहाँ रखी है? चुंबकीय क्षेत्र में, क्षेत्र के लंबवत रखी है, इससे गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स क्या है? अधिकतम है। चुंबक अभी पूछेंगे, पूछ के लिखवाएगा आप लोगों से, चुंबकीय फ्लक्स अधिकतम है पक्का। कुंडली कितना घूमी माने कितना घूमी? 1/4 भाई, मैं 5 घूम गए। कुंडली 90 घूमी माने कितना घूमी? 1/4। अब इससे गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स क्या हो गया? न्यूनतम, शून्य, शून्य हो गया। इस दशम चुंबकीय फ्लक्स शून्य है, कुंडली 90 और घूम गई। कितना घूम गई कुंडली? 180 अंश घूमी, लेकिन चक्कर कितना घूमी? आधा चक्कर घूम गई, आधा चक्कर लगाई है, कितना जो है घूम गई है? आधा चक्कर। और जब आधा चक्कर घूम गई है तो चुंबकीय फ्लक्स अब फिर अधिकतम हो गया है, विपरीत दिशा में ऋण में आया है। फिर अब कुंडली कितना घूम गई? 270 माने 3/4, 3/4 घूम गई है कुंडली, चुंबकीय फ्लक्स फिर से शून्य हो गया है, और अब चुंबकीय फ्लक्स फिर से मैक्सिमम हो गया है, और चुंबकीय फ्लक्स मैक्सिमम हो गया है, कुंडली का एक चक्कर लग चुका है। तो मतलब ये समझ में आया कि पहले कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स अधिकतम था, 90 घूमी, चाहे कहो 1/4 घूमी, चुंबकीय फ्लक्स घट के शून्य हो गया। फिर 180 अंश घूमी, चाहे कहो आधा चक्कर घूम गई, चुंबकीय फ्लक्स फिर से अधिकतम हो गया। 270 घूमी, 3/4 घूमी, और जब 270 घूमी तो चुंबकीय फ्लक्स शून्य हो गया। फिर 360 घूमी तो चुंबकीय फ्लक्स फिर से अधिकतम हो गया। अब यहां पर जो है फिर से दो बातें समझ में आ गई, घुमाव कितना हो रहा है और जो है फ्लक्स कितना है। आपको पता है बेटा फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम कि जब जो है किसी कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स बदलता है तो परिपथ में एक धारा प्रेरित होती है जिसे प्रेरित धारा कहते हैं, या जो वोल्टेज बनता है प्रेरित वोल्टेज, या जो विद्युत वाहक बल बनता है वो प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो यहां आप समझो कि जब परिवर्तन ज्यादा होने लगता है तो धारा भी ज्यादा प्राप्त होती है, और परिवर्तन जब बंद हो जाता है तो धारा शून्य हो जाती है। तो अब यहां समझो, अभी कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के कैसे रखी है? लंबवत। चुंबकीय फ्लक्स क्या है? अधिकतम। कुंडली को घुमाना शुरू किए, कुंडली को घुमाना शुरू किए, एक अंश दो अंश तीन अंश, तो चुंबकीय फ्लक्स घटने लगा होगा। कुंडली को कितना घुमा डाले? 90। 1/4 घुमा डाले, फ्लक्स क्या हो गया? शून्य। तो फ्लक्स में परिवर्तन होना स्टार्ट हुआ, परिवर्तन धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता गया कि यहाँ पूरा का पूरा फ्लक्स शून्य हो गया। तो जब इसमें फ्लक्स जो है परिवर्तन होना शुरू हुआ होगा जैसे ही, वैसे इसमें क्या बनने लगे होंगे, और उसका मान धीरे धीरे। तो यहाँ पर जब जो है कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी है तो फ्लक्स जो है मैक्सिमम है, लेकिन यहाँ प्रेरित धारा शून्य है, कोई धारा नहीं बनी है। जैसे कुंडली को घुमाना शुरू किए, कुंडली को 90 अंश घुमा दिए,
आप एक चौथाई चक्कर घुमा दिए, इसका फ्लक्स अधिकतम से घटकर शून्य हो गया, लेकिन धारा शून्य से बढ़कर अधिकतम हो गई होगी। इसमें मैक्सिमम धारा बहने लगी, मान लो ये मैक्सिमम धारक मान आई है, कितना है, कुंडली एक चौथाई घूम गई है, 90 अंश घूम गई है, फ्लक्स शून्य लेकिन धारा अधिकतम पक्का। फिर कुंडली को घुमाना शुरू किए, कुंडली जैसे फिर घुमाए 180 अंश तक घूम गई, फ्लक्स जो है आधा चक्कर घूम गई, फ्लक्स फिर इसका अधिकतम हो गया, लेकिन धारा क्या हो गई होगी, शून्य। फ्लक्स अधिकतम से शून्य हुआ तो धारा शून्य से अधिकतम हुई, फ्लक्स शून्य से अधिकतम हुआ तो धारा अधिकतम से शून्य, धारा यहां शून्य हो गई कि नहीं, कौन चीज अधिकतम है यहाँ पे, फ्लक्स, धारा क्या है, पक्का। फिर अब कुंडली को तीन चौथाई घुमा दी 270, अब फ्लक्स शून्य हो गया लेकिन धारा बढ़ गई होगी, बढ़ के अधिकतम हो गई होगी, अधिकतम हो गई। फिर उसके बाद कुंडली को 360 एक चक्कर ले लिए, तो जब कुंडली को एक चक्कर ले लिए फ्लक्स भी अधिकतम लेकिन धारा, तो अब यहाँ तीन चार बातें हो गई, कई बातें हो गई। पहले कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के कैसे रखी थी, इस दशा में फ्लक्स का मान क्या था, धारा क्या थी, एक धारा शून्य थी। फिर उसके बाद कुंडली कितना घूमी, फ्लक्स क्या हो गया, शून्य, धारा क्या हुई, पक्का, एक चौथाई चक्कर लग गया कुंडली का, कुंडली कितना घुमा दिए, 180, आधा चक्कर लग गया कुंडली का, और इस दशा में फ्लक्स क्या हो गया, धारा क्या हो गई, ठीक है ना। फिर 270 घुमाए, तो जब 270 घुमाए फ्लक्स शून्य और धारा, पक्का, और जब 360 घुमा दिए तो फ्लक्स अधिकतम और यही ना। अगर हम कहें कि इसी को हम आपको लिख कर दिखा लेते, इसी चीज को लिख कर दिखाएं, कुंडली का घुमाओ जीरो से 90, 90 से 180, कुंडली घूम रही है, 180 से 270 और 270 से, ऐसे कुंडली घूमे, पक्का, कुंडली इसी तरह घूम रही बच्चों। अभी ये कितना है, एक चौथाई चक्कर कुंडली का, यही सब बता रहे हैं हम, एक चौथाई चक्कर, यहां तक कुंडली का आधा चक्कर, यहां तक, और अब कुंडली का पूरा का पूरा। जब कुंडली घूमना स्टार्ट की तो उस समय फ्लक्स क्या था और परिपथ में कोई धारा, फ्लक्स अधिकतम था, धारा क्या थी, आधे चक्कर तक फ्लक्स जो है क्या हो गया, आई क्या हो गई, तीन चौथाई में फ्लक्स फिर जो है ज्यादा हो गया दिन में मैक्सिमम, ठीक है ना, धारा घटकर क्या हो गई, पहले जीरो था, जीरो से यहां पर लिखा लगती है, पहली कंडीशन जबकि घूम नहीं रहे थे, घूमना स्टार्ट हो गया है, फ्लक्स जो है यहां मैक्सिमम था और धारा शून्य थी, जब जो है कुंडली रखी हुई थी, ये 90 घुमा दिए, कुंडली को घुमा दिए 90 ना, कुंडली क्या किए, 90 जब घुमा दिए तो उस दशा में चुंबकीय फ्लक्स क्या हो गया और धारा क्या हो गई, इधर ठीक है, और कुंडली अब कितना घूम गई है, 180, जब रखे थे ऐसे कुंडली तो ये वाली कंडीशन है, फ्लक्स अधिकतम था, धारा शून्य थी, घुमा दिए 90 तो फ्लक्स शून्य हो गया, धारा अधिकतम। अब आधा चक्कर 180 घुमा दिए, फ्लक्स जो है विपरीत दिशा में मैक्सिमम हो गया और धारा क्या हो गई,
यहाँ तीन चौथाई पर, तीन चौथाई पे फ्लक्स फिर शून्य हो गया और धारा विपरीत दिशा में मैक्सिमम, और यहां फ्लक्स फिर मैक्सिमम, और जब फ्लक्स मैक्सिमम तो धारा, यही हो रहा है कि नहीं? तो अब बच्चों अगर हम इसी को ये समझ में आ रहा है, इसकी जरूरत है अभी हमें समझ में आया, कुंडली जब घूम नहीं रही थी तो फ्लक्स शून्य था, फ्लक्स मैक्सिमम था, धारा शून्य, 90 घुमा दिए, ये 90 रोटेट हो गई कुंडली, तो 90 रोटेट होने पर फ्लक्स घटकर शून्य हो गया लेकिन धारा बढ़कर मैक्सिमम हो गई, फिर 180 तक कुंडली घूमी, फ्लक्स फिर अधिकतम हुआ, धारा शून्य, जब फ्लक्स अधिकतम तो धारा शून्य, फ्लक्स जो है शून्य तो धारा अधिकतम, ऐसे चलता है। तो यहां देखो, यदि किसी कुंडली या बंद परिपथ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखकर तेजी से घुमाया जाता है तो उसके चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है? परिवर्तन होता है, और इस कारण उसमें क्या उत्पन्न हो जाती है? एक धारा, जिसका मान और दिशा सदैव बदलती रहती है, ठीक है, लेकिन एक निश्चित समय पश्चात वो अपने पहले वाले मान को बार बार प्राप्त करती रहती है। जैसे देखो, पहले जीरो थी, फिर जीरो, फिर जीरो, पुराने वाले मान को रिपीट कर रही कि नहीं, ऐसी धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, ठीक है। तो पूरा बोल दें उसके बाद उसको शॉर्ट करते, देखो जरा, यदि किसी कुंडली या बंद परिपथ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखकर तेजी से घुमाया जाए तो कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में इस प्रकार परिवर्तन होगा कि कुंडली में उत्पन्न प्रेरित धारा का मान सदैव बदलता रहेगा, किंतु यह धारा एक निश्चित समय के पश्चात अपने प्रारंभिक मान व दिशा को पुनः प्राप्त कर लेगी, और ऐसी धारा प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। कुछ लोग इसको एकदम शॉर्ट कर देते हैं, पहली लाइन बोल छोड़ देते हैं बोलना, शॉर्ट में बोलते हैं कैसे, कि यदि किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में निरंतर परिवर्तन हो, कि कुंडली में उत्पन्न प्रेरित धारा का मान व दिशा समय के साथ बदलती रहे और एक निश्चित समय के उपरांत ये अपने प्रारंभिक मान व दिशा को पुनः प्राप्त कर ले तो इस धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। माने वह धारा जिसकी दिशा और मान क्या रहे? बदलता रहे और एक निश्चित समय पश्चात पहले वाले मान और दिशा को फिर से प्राप्त कर ले, उसे ही जो है धारा को क्या कहते हैं? अब अगर हमसे कहे कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज की परिभाषा बताओ, किसकी परिभाषा पूछे, तो ध्यान से सुनना कि यदि किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में इस प्रकार परिवर्तन हो कि कुंडली में उत्पन्न प्रेरित वोल्टेज की दिशा व परिमाण समय के साथ बदलती रहे और एक निश्चित समय पश्चात वोल्टेज अपने प्रारंभिक मान व दिशा को पुनः प्राप्त कर ले तो इस वोल्टेज को प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहते हैं। तो जहां धारा था वहां वोल्टेज बोल दिए कि और कुछ किए। अब अगर जैसे दुखी जी कहा जाए प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल की परिभाषा बताओ, किसकी परिभाषा बेटा? प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल। तो जहां धारा था या जहां वोल्टेज था वहां विद्युत वाहक बल बोल दोगे। माइंड में हमारे मेकअप है कि चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होना है क्योंकि प्रेरित शब्द लाना है, मान रिपीट होना है क्योंकि आवर्त शब्द लाना है। तो बोलो, यदि किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में निरंतर परिवर्तन हो कि कुंडली में एक ऐसा विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाए जिसकी दिशा व परिमाण समय के साथ बदलती रहे और एक निश्चित समय पश्चात वो अपने प्रारंभिक मान को पुनः प्राप्त कर ले तो इसे ही जो है प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल कहते हैं। इधर क्लियर? अब यहां पर ध्यान से देखो जरा, ये रोटेशन के हिसाब से हम अगर धारा का समय के सापेक्ष ग्राफ बनाए या कुंडली के रोटेशन के सापेक्ष ग्राफ बनाए तो ध्यान से देखिएगा, यक्ष अक्ष है, यक्ष अक्ष पर हम मान लो घुमाव व्यक्त कर रहे हैं, क्या कुंडली का घुमाव किस अक्ष पे दिखा रहे हैं? नहीं मानोगे सब लोग, यक्ष अक्ष पे घुमाव और वाई अक्ष पे धारा,
अभी यहां घुमाना शुरू करेंगे। तो यहां पर धारा क्या है? धारा का दिखाएंगे, केवल धारा जीरो है। कुंडली का घुमाव इस पर व्यक्त करेंगे। यहां मान लो 90 अर्थ तक का घुमाव है, यहां 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 एक चक्कर यहां तक बन जाएगा। ये कुंडली का क्या चीज है? घुमाव। कुंडली कितना घुमा दे, और जब कुंडली 90 अर्थ घूमना शुरू हो जाती है तो फ्लक्स जीरो से अधिकतम से घट करके जीरो हो जाता है, लेकिन धारा बढ़ते बढ़ते तो धारा अधिकतम, धारा बढ़ते 1 एम्पीयर 2 एम्पीयर 3 एम्पीयर 4 एम्पीयर 5 एम्पीयर, ये अधिकतम हो गई धारा। यहाँ पर मान लो ये धारा का अधिकतम मान I0 या ऐसे कुछ है। 90 अर्थ के घुमाव पर धारा क्या हो गई? अधिकतम। अधिकतम हुई धारा मैक्सिमम, 90 घूम गई ये कुंडली। ठीक, अब कुंडली जो है ऐसे थी ऐसे हो गई, फिर इसको 90 घुमा दिए, तो जब 90 फिर घुमा दिए जो है इस तरह से हो गई, प्लस फिर ज्यादा हो गया और धारा क्या हो गई? तो धारा जो बढ़ गई थी घट करके फिर शून्य हो जाए। देखो धारा घटते 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 ये शून्य धारा, देखो शून्य की स्थिति में आ गई। यस सर, धारा शून्य हो गई। फिर जो है कुंडली घुमाना शुरू किए, कैस तक ये 180 घुमाए, 180 सीध है, ये 90 सीध है। अब कुंडली को कितना घुमा दे? 270, और धारा क्या हो जाएगी अधिकतम? तो ये देखो धारा फिर बढ़ने लगी बढ़ने लगी बढ़ने लगी, विपरीत दिशा में ले जा रहा है। देखो धारा यहां फिर अधिकतम आई है, ये 270 घुमाव है। ठीक है, अब क्या करें? कुंडली को 360 घुमा दिए, तो धारा ये जो बढ़ी थी घट करके फिर से क्या हो जाएगी? जीरो। तो धारा देखो घट करके इधर, ओके, तो धारा इस तरह से चक्कर करेगी। कैसे? अब घुमाव भूल जाओ, धारा जीरो से बढ़ते बढ़ते अधिकतम होती है, अधिकतम से घटकर शून्य होती है, शून्य से बढ़ते हुए फिर अधिकतम से घटते हुए शून्य। ये हमारी प्रत्यावर्ती धारा इस प्रकार चक्कर प्रदर्शित करती है। कौन प्रदर्शित करता है? प्रत्यावर्ती धारा। अभी कुंडली घूमना से नहीं शुरू की है, कुंडली इस समय चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी है, फ्लक्स जीरो धारा जीरो। कुंडली को 90 तक घुमा दिए, फ्लक्स जो है अधिकतम से शून्य, धारा अधिकतम हो गई। देखो धारा अधिकतम, फिर 180 अर्थ तक घुमा दिए, आधा चक्कर लगा दिए कुंडली का, तो अब जो है फ्लक्स फिर अधिकतम हो गया, लेकिन धारा जो है घट करके शून्य। फिर जो है 270 तक घुमा दिए, तो धारा शून्य से अधिकतम, और फिर जो है एक चक्कर में धारा। तो हम घुमा हुआ भूल जाए ना, डायरेक्ट ये बताए कि धारा का मान जब कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखकर तेजी से घुमाई जाती है कि उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन प्राप्त होता है, तो परिपथ में एक ऐसी धारा प्रेरित होती है जिसका मान शून्य से बढ़ते बढ़ते अधिकतम से घटकर शून्य से बढ़कर अधिकतम से बढ़कर, यही ना, आधे चक्कर तक का धारा का ये रोटेशन है और आधे चक्कर का धारा का ये हिसाब किताब है। धारा दो बार अधिकतम हुई है और दो बार जीरो हुई है, ये प्रत्यावर्ती धारा हमारी है। और ये प्रत्यावर्ती धारा का पूरा एक चक्कर है कि नहीं? प्रत्यावर्ती धारा पूरा एक चक्कर करने में जितना समय लगाती है उसे प्रत्यावर्ती धारा का आवर्तकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा पूरा एक चक्कर तय करने में जितना समय लगाती है उसे प्रत्यावर्ती धारा का आवर्तकाल। तो अब ये कितना समय है? आधा चक्कर का समय है, माने ये टी बाई टू है। अगर हम इस कोण के बजाय समय में इसका वर्णन करें तो अब बताओ समय में वर्णन क्या होगा? बताओ यहां तक कितना चक्कर है? एक चौथाई, माने यहां तक का समय। ठीक, यहां तक कितना चक्कर है? यहां तक कितना चक्कर है? तीन चौथाई। यहां तक तो आवर्तकाल माने आई व टी के बीच ग्राफ आ गया कि नहीं है? टी बटा 4 समय में धारा अधिकतम, टी बटा 2 समय में धारा जीरो, 3 टी बटा 4 समय में धारा अधिकतम, और टी समय में धारा।
तो प्रत्यावर्ती धारा पूरा संपूर्ण एक चक्कर जितने समय में लगाती है उसे प्रत्यावर्ती धारा आवर्तकाल कहते हैं। और अगर प्रत्यावर्ती धारा तेज तेज चलती रहे, एक सेकंड में जितना चक्कर लगा लेती है उसे प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कहते हैं या प्रत्यावर्ती धारा साइकिल कहते हैं। और प्रत्यावर्ती धारा का जो अधिकतम मान होता है उसे हम धारा का आयाम, धारा आयाम या धारा का शिखर मान कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? धारा का शिखर मान या धारा आयाम। अच्छा एक चीज और, ये हमने किसके किसके बीच संबंध निकाला है? चुंबकीय फ्लक्स और धारा के बीच। और ये चित्र किसका बनाया है? पहले कुंडली का घुमाव और धारा था, अब समय और धारा हो गया है। धारा के बजाय अगर हमसे कहे कि वोल्टेज के बारे में, प्रत्यावर्ती वोल्टेज के बारे में बताओ, तो जहां जहां धारा लिखा है वहां वहां प्रत्यावर्ती वोल्टेज लिखे। माने जैसे यहाँ फाई मैक्सिमम तो वोल्टेज जीरो, फाई जीरो तो वोल्टेज मैक्सिमम, फाई माइनस में मैक्सिमम वोल्टेज जीरो। मतलब चित्र यहां बनाए तो यहां जहां आई है वहां क्या लिखते हैं? तो ये किसके बीच ग्राफ आ जाएगा? वोल्टेज व आवर्तकाल के बीच। चित्र ऐसे बनेगा, वर्णन ऐसे होगा। इधर क्लियर? हम प्रत्यावर्ती धारा कर रहे हैं तो जान लो आप वोल्टेज और विद्युत वाहक बल का कर सकते हो। बस आई के बजाय वोल्टेज लिख दोगे तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज की परिभाषा ग्राफ वर्णन हो जाएगा। यहां सब जहां जहां आई है वहां क्या लिख उठेगा फिर भी? और ऐसे ही अगर प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल की बात करें तो जहां जहां आई है वहां वहां हम लोग क्या राइट कर दे बेटा? तो प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का वर्णन हो जाएगा। तो परिभाषा भी तो ऐसे बताए कि यदि किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में इस प्रकार परिवर्तन हो कि परिपथ में एक ऐसी धारा उत्पन्न हो जाए जिसका मान व दिशा समय के साथ बदलता रहे, तो इस जो और वह एक निश्चित समय पश्चात अपने प्रारंभिक मान व दिशा को प्राप्त कर ले, तो ऐसी धारा प्रत्यावर्ती धारा, ऐसा वोल्टेज प्रत्यावर्ती वोल्टेज, ऐसा विद्युत वाहक बल प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल कहलाता है। ये ग्राफ मस्त समझ में आ रहा है कि नहीं? इसमें एक कंपटीशन की बात देखो, प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान क्या कहलाता है? धारा आयाम। जितने समय में प्रत्यावर्ती धारा एक पूरा चक्कर लगाती है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा आवर्तकाल। और यहां तक टी बटा चार समय, टी बटा दो समय, थ्री टी बटा चार समय और यहां तक टी समय। समझ में आ रहा है? प्रत्यावर्ती धारा के बहुत सारे मान पूरे एक चक्कर के दौरान है। यहाँ एक बात ये समझने की है कि एक सेकंड में जितनी बार प्रत्यावर्ती धारा चक्कर लगाती है उसे प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कहते हैं। ये आपसे प्रदर्शित करते हैं। कम्युनिकेशन की बात यह थी खुशी कि जो हमारे घरों में बिजली आती है वो हमारे घरों में आने वाली बिजली प्रत्यावर्ती बिजली या प्रत्यावर्ती धारा होती है। और घरों में जो प्रत्यावर्ती धारा आती है इसका वोल्टेज 220 वोल्ट होता है। मतलब हमारे घरों में सप्लाई विद्युत क्या होती है? 220 वोल्ट और इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। मतलब हमारे घरों में 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज आवृत्ति वाली विद्युत सप्लाई होती है। हमारे घरों में कैसे बिजली आती है? जिसकी वोल्टता और जिसकी फ्रीक्वेंसी। अब एक चीज समझो कि प्रत्यावर्ती धारा एक चक्कर लगा रही है, एक चक्कर लगाने में ये कई बार अधिकतम मान पाई है, कई बार न्यूनतम मान पाई है। तो प्रत्यावर्ती धारा अपने पूरे एक चक्कर के दौरान दो बार अधिकतम हो जाती है, हाईएस्ट, और दो बार शून्य हो जाती है, न्यूनतम। तो अब बेटा हमारे घरों में जो बिजली आ रही है उसकी आवृत्ति कितना है? 50 हर्ट्ज। इसका मतलब हमारे घरों में जो बिजली आ रही है वह जो है एक सेकंड में 50 चक्कर लगाती है। यही तो मतलब हुआ, एक सेकंड में हाउ मेनी चक्कर? 50 चक्कर। और एक चक्कर में कई बार धारा ज्यादा होती है और कई बार कम होती है। तो माने हमारे घरों में जो बिजली आती है एक सेकंड में 100 बार हाईएस्ट हो जाती है, हाई वोल्टेज, और 100 बार जीरो हो जाती है। तो हमारा जो बल्ब है जिसको हम लगाए हुए हैं घरों में सप्लाई करते हैं, इसका मतलब एक सेकंड के छोटे से समय में 100 बार जल जाता होगा हायर वोल्टेज पर और 100 बार बुझ जाता होगा जीरो वोल्टेज पर, ठीक है ना? माने हमारे घरों में सप्लाई वोल्टेज के कारण हमारा जो बल्ब है एक सेकंड के छोटे से समय अंतराल में 100 बार जलता है, 100 बार बुझता है।
लेकिन हमारी आंखों की क्षमता इतनी कमजोर है, इतनी पावरफुल या सेंसिटिव नहीं है कि इतने कम समय में होने वाले परिवर्तन को कैच कर ले। हमें जो है बल्ब निरंतर जलता नजर आता है, माने बल्ब जलता बुझता रहता है, लेकिन इतनी तेज तेज जलता बुझता है कि भैया आप कैच करें, हम कैच नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब ये बात सही है गलत, इसको हम हर्षिता पूछ के बता रहे हैं कि सही है कि गलत है। देखो कभी कभी जो है जब पावर हाउस से बिजली सप्लाई होती है तो कभी कभी ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली बिजली सप्लाई होने लगती है। क्या नहीं, कम फ्रीक्वेंसी वाली बिजली सप्लाई होने लगती है। कैसी सप्लाई होने लगती है? कम कम ज्यादा होता रहता है, ज्यादा भी होती है कम भी। तो अगर कम फ्रीक्वेंसी वाली बिजली सप्लाई होती है, माने जैसे मान लो 10 या 5 हर्ज आवृत्ति बिजली सप्लाई होगा, तो जब घर में 5 हर्ज आवृत्ति वाली बिजली आए तो सोचा जा जा कि 5 हर्ज आवृत्ति बिजली आए तो 1 सेकंड में क्या चक्कर लगाएगा, 5 तो बल्ब 1 सेकंड में कई दाए जले, 10 दाए जले, 10 दाए बुझे, तो कम बार जलता है कम बार बुझाता है तो समझ में आने लगा। देखा कहता ना का आज बत्ती है डाउन बटन लुपलुपात है फेस कम बार, तो लुपलुपात है मतलब का बा जलिंग बुझिंग जलिंग बुझिंग, तो जो 1 सेकंड में वो हाईएस्ट वोल्टेज लोएस्ट वोल्टेज हो रहा है वो धीरे धीरे हो रहा है, आपकी आंखें उसको कैच कर ले रहे हैं, लुपलप 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 लाते हैं कि वोल्टेज हाई लो हाई लो हाई लो, माने फ्रीक्वेंसी कटिंग बढ़िंग। तो समझ गए आप, तो इसका मतलब श्योर है कि हम जो बता रहे थे वो सही था। तो अब यहाँ पर बच्चों ये बात सत्यापित हो गई। अब आप देखो जरा प्रत्यावर्ती धारा का एक बार शक्ल देख लो, प्रत्यावर्ती धारा ट्यू ट्यू ट्यू, तो प्रत्यावर्ती धारा जीरो से अधिकतम से जीरो से अधिकतम से पूरा एक चक्कर लगाएगी। और इस तरह की जब कभी कोई गति होती है तो ये सरल आवर्त गति होती है, अधिकतम मान न्यूनतम मान ऐसा जब कभी गति होती है तो सरल आवर्त गति होती है। तो इसका मतलब हमारी प्रत्यावर्ती धारा सरल आवर्त गति में होती है, और ये धारा का जो अधिकतम मान आई नाट है ये धारा आयाम है। तो प्रत्यावर्ती धारा सरल आवर्त गति करती है, तो जैसे सरल आवर्त गति के समीकरण होते हैं वैसे प्रत्यावर्ती धारा के भी समीकरण होने चाहिए। तो सरल आवर्त गति के समीकरण याद करो क्या होता है, वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी, ऐसा होता है। तो प्रत्यावर्ती धारा का भी समीकरण इसी तरह से होना चाहिए, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, या प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण क्या होना चाहिए, बी बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी, या प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का समीकरण क्या होना चाहिए, ई बराबर काहे, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा सरल आवर्त गति को प्रदर्शित करती है। लेकिन मैथमेटिकली प्रूफ कर रहा हूं कि प्रत्यावर्ती धारा सरल आवर्त गति करती है, मैं गणितीय रूप में दिखाने जा रहा हूं, ठीक है, प्रूफ करके। ये तो आपको चित्र से दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं कैसे दिखाने जा रहा हूं, प्रूफ करके। इधर ध्यान दो, मान लेते हैं कि इस पिलर के कारण या किसी चुंबक के कारण बी तीव्रता का चुंबकीय क्षेत्र बना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी मान लिए, बी, माना बी तीव्रता का चुंबकीय क्षेत्र है, कितनी तीव्रता चुंबकीय क्षेत्र बना है, सबको समझ में आया कि मान लिए कहीं भी तीव्रता का चुंबकीय क्षेत्र है, समझ में आ रहा है। और इस चुंबकीय क्षेत्र में मान लेते हैं कोई एक ए क्षेत्रफल वाली कुंडली रखी है, कोई जो है क्या रखी है, ए क्षेत्रफल वाली कुंडली, और रखी है कि घुमाई जा रही है, घुमाई जा रही है, और घुमाने का कोणीय वेग ओमेगा है, ओमेगा वेग से घुमाई जा रही है, इधर क्लियर, तो ये 30 सेकंड में कुछ घूम जाएगी, कोणीय दूरी या कोणीय विस्थापन थीटा बराबर ओमेगा टी, विस्थापन बराबर चार गुणे समय, याद रहेगा। आप जानते हो चुंबकीय फ्लक्स अगर कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में रखकर घुमाई जा रही है तो उससे संबंध है चुंबकीय फ्लक्स, पाई बराबर क्या सूत्र होता है, डी ए कॉस थीटा, जगह क्या लिखते हैं, मतलब यहां लिखे बी ए कॉस थीटा, तो पढ़े ही हम सभी चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र, चुंबकीय फ्लक्स का बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा का लिख दें ओमेगा टी, एक मान हम कहा था कि सापेक्ष अवकलन कर लिए डी फाई बाई डी टी, हमें बताओ क्या कर रहे हैं, तो बी ए कांस्टेंट आप डी बाई डी टी या कॉस ओमेगा टी, अवकलन करते हैं
डिफरेंस ये सर मैं था। अब यहां पर ध्यान दो बी ए जो मैं था ये बच्चे हैं उन्हें जो है आता होगा, जो मैथ वाले नहीं है वो जान ले कि सूत्र जान ले डी बाई डी टी आप कास एन टी बराबर माइनस एन साइन एन टी इस सूत्र जान ले ठीक है। कास टी के अवकलन माइनस साइन टी लेकिन कास एन टी का अवकलन माइनस एन साइन एन टी ठीक है। तो अब लिखा कास ओमेगा टी या एन जगह ओमेगा तो माइनस ओमेगा पहले हो गया आकाश पिता हो गया मजा है ये तक। चूंकि जब कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में रखी बा और घुमाई जात बा तो चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता परिवर्तन। चाचा फैराडे मर गया है बताए के कि जब किसी चुंबक के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो वहां एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है जिसे हम क्या कहते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल। क्या कहते हैं याद आया। और फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित पहले नियम से इस प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र भी उन्होंने बताया है माइनस एन डी फाई बाई डी टी याद आया कि नहीं बताया है माइनस एन डी फाई बाई तो ई बराबर माइनस एन डी फाई बाई डी टी मान यहाँ बात माइनस माइनस प्लस हो गया ओमेगा पी ए साइन ओमेगा ये पूरी पूरी गिनती का आश्रय था एक हम मान ली ईना कितना मान ली ईना माना तो देखा क्या आवाज है ई बराबर सिद्ध हो गया कि प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी सिद्ध हो गया कि नहीं सिद्ध हो गया प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी जो कि सरल आवर्त गति का समीकरण है। माने इस तरह से हम जो है समझ गए कि प्रत्यावर्ती धारा आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी और प्रत्यावर्ती वोल्टेज बी बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी और यह भी समझ गए कि अगर जो है इस तरह के समीकरण प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल दिखा रहे हैं तो इसका मतलब प्रत्यावर्ती धारा सरल आवर्त गति में होती है। क्लियर ये समझ आया। देखो ये डेरिवेशन हो गया एक पूरा सिद्ध हो गया कि प्रत्यावर्ती धारा सरल आवर्त गति में होती है। और अब बच्चों यहां ध्यान से समझिए और क्लियरली जानने का प्रयास करिए कि हम लोग जो है अब पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान। और जैसा कि बताया कि ये चैप्टर में क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पहला आपके सामने रखने जा रहा हूं पहला क्वेश्चन तो अच्छे से सीख लीजिए। प्रत्यावर्ती धारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं का औसत मान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रत्यावर्ती धारा का प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ध्यान से देखिएगा। गलत फर्क समझावत है तो एक आसान मिले चाहिए हम भी छुट्टी से आराम करते क्या मतलब है लेकिन हम सोचे बच्चों का लाभ। प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान प्यारे बच्चों प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन ये है धारा का औसत मान और एक क्वेश्चन है धारा का वर्ग माध्य मूल मान दोनों बारी बारी से पूछे जाते हैं कभी औसत मान पूछता है तो कभी वर्ग माध्य मूल मान। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको चैप्टर का मिलने लगा थोड़ा कुछ चीज़ें मैं अवॉइड करके पढ़ा रहा हूँ ये भी जान लेना बकवास चीज़ें इसे उड़ा दे रहा हूँ जरूर लेकिन नोट्स अभी आप सबको दे दूंगा नोट्स भेज दूंगा मेरे पास है प्रत्यावर्ती धारा पूरे चैप्टर की तो लाभ भी हो जाएगा आप पढ़ भी लेना बढ़िया राइटिंग है। तो प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान सबसे बड़ी बात यह है बेटा कि प्रत्यावर्ती धारा का यहां से यहां तक क्या है एक चक्कर तो एक चक्कर के लिए भी औसत मान पूछा जाता है
और आधे चक्कर के लिए भी मान पूछा जाता है। आधे चक्कर हेतु औसत मान और ठीक है बेटा, बोर्ड पर हमने बकायदा चार्ट बना दिया है। प्रत्यावर्ती धारा पूछा जरूर जाता है और मैथ है पूरा, जो बायो वाले बच्चे हैं पूरा एक एक अक्षर लिख लिख के कई बार घर पे प्रैक्टिस करके याद कर डाले, समझ में नहीं आएगा ये जान लीजिए, क्योंकि पूरा समाकलन है। इसमें तो थोड़ा आ जाएगा, इसके बाद वाला परिमाध मूलमान बिल्कुल नहीं पल्ले पड़ता। और काफ़ी टीचर्स जो बायो रिलेटेड हैं, मैथ से नहीं अटैच है, वो पढ़ोगे नहीं करते ये सब। तो प्रत्यावर्ती धारा का एक चक्कर के लिए औसत मान, औसत मान का मतलब हर्षु क्या होता है कि जैसे जितने सारे लोग हैं, कहे अगर सबकी औसत लंबाई बताओ, तो सबकी लंबाई निकाल निकाल जोड़ दो और जय लोग हैं तैसे भाग दे दो। ठीक है, जैसे कहा जाए कि अर्जुन सर की फिजिक्स की क्लास में लड़कियों के पास औसत पैसा कितना है, तो दो ये लड़की है तो इनका जितना पैसा हो निकाल के रख दें और इनके पास जितना पैसा हो निकाल रख दें, जोड़ दें और कैसे भाग देते हैं, दो से, दो लोगों को दो से भाग देते, तो औसत मनी आ जाएगा। जैसे कहा जाए सबका औसत वजन बताओ, यहाँ सारे बच्चों का औसत वजन, तो क्यों 40 किलो के, 30 किलो के, 50 किलो के, 90 किलो के, सबके वजन जोड़ दी और जय किया कैसे भाग दे दी, तो औसत वजन आ जाएगा। तो यहाँ बच्चों जब प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान निकालना होता है लेकिन संपूर्ण एक चक्र के लिए, तो प्रत्यावर्ती धारा की फोटो हम अभी देखो मिटाए नहीं इसीलिए क्योंकि हमको जरूरत थी। तो प्रत्यावर्ती धारा पूरे एक चक्कर के दौरान, आधे चक्कर में इसका ज्यादा ज्यादा मान आई नाट यहाँ है और शेष आधे चक्कर में ज्यादा ज्यादा मान आई नाट यहाँ है, तो ये दोनों मान जोड़ के दो ये मान दिख रहे हैं धारा के, दो से भाग देते औसत मान आ जाएगा कि नहीं। तो अगर प्रत्यावर्ती धारा का एक चक्कर हेतु औसत मान पूछे तो आधे चक्कर में कितना औसत मान है प्लस आई नाट, और दूसरे आधे चक्कर में औसत मान कितना है, दोनों जोड़ के कैसे भाग दे दे, हल करने कितना आ जाएगा, तो ये तो डेरिवेशन बड़ा सरल हो गया, आधे लाइन में हो गया। तो हाँ बच्चों, जब प्रत्यावर्ती धारा के एक चक्कर में धारा का औसत मान पूछा जाता है तो वास्तव में वो सरल है ही, तुरंत जो है एक दो लाइन में हल हो जाता है, कोई डिस्टर्बेंस किसी को, समझ में क्लियर। लेकिन जब प्रत्यावर्ती धारा का आधे चक्कर के लिए औसत मान पूछा जाता है तो वो कठिन होता है। आधे चक्कर हेतु प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, आधा चक्कर कहां से कहां तक है, ये पहला आधा चक्कर है, फर्स्ट आधा, पहला आधा है यहां से यहां तक है, यहां पर धारा कुछ है, यहाँ पर धारा कुछ है, यहाँ पर धारा कुछ, यहाँ धारा कुछ, यहाँ धारा कुछ, यहाँ धारा, ऐसे 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 धारा के ढेर सारे मान निकल आएंगे। सारे मानों को क्या करें, हम जोड़ दें, सारे मानों को जोड़ दें तो आधे चक्कर के दौरान धारा का संपूर्ण मान आ जाएगा। तो बच्चों जोड़ने के लिए मैथ के दो चिन्हों का प्रयोग कर सकते हो आप, सिग्मा का या इंटीग्रेशन का, तो हम इंटीग्रेशन का प्रयोग कर रहे हैं, सारी धाराओं को हम जोड़ेंगे, कहां से कहां तक की धारा जोड़ेंगे, जो धाराएं जीरो से चलकर टी बटा दो समय तक हो, जीरो से चलकर टी बटा दो समय तक जितनी धारा हो सबको जोड़ेंगे। किसको जोड़ रहे हैं धारा को, किसके सापेक्ष समय के सापेक्ष, इंटीग्रेशन हमेशा किसी के सापेक्ष होता है, इंटीग्रेशन डीटी माने समय के सापेक्ष, जीरो समय से लेकर टी बाई टू समय तक की सारी धाराओं का जोड़, और भाग भी देते दे। तो यहां से यहां तक कितना समय है t/2 से इसको भाग देंगे दे। ठीक, तो औसत मान आ जाएगा कि नहीं, क्या आ जाएगा, धारा प्रत्यावर्ती धारा के पहले आधे चक्कर हेतु धारा का औसत मान। यह समझ में आया कैसे हुआ, समय के सापेक्ष इंटीग्रेशन कर रहे हैं लेकिन कहां से कहां तक इंटीग्रेशन, जीरो से t/2, जीरो से t/2 तक का क्या इंटीग्रेशन कर रहे हैं, क्योंकि हमको आधे चक्कर में t/2 समय लगा हुआ है।
और उसी समय से भाग दिए। अब इसको साल करना है समाकलन निकट से। तो देखो ये नीचे कार ऊपर गया, दो बटा तीन रेटी जीरो से टी बाई टू। आई का मान आपको बताया है कि प्रत्यावर्ती धारा सरल आवर्त गति जैसी होती है, तो आई का मान आई नार साइन ओमेगा टी। आई नार बाहर आ गया, टू आई नार अपान टी। खुशी ये पूरा मैथ है, आगे बढ़े अमर के वर्मा साइन ओमेगा टी डी टी। यही बगल में बता दे रहे हैं बायो वाले बच्चों के लिए, मैथ वाले जानते हैं, इंटीग्रेशन साइन एन टी डी टी बराबर माइनस कॉस एन टी बटा एन टी। सूत्र आई भाई ठीक है बिल्कुल, रजक मैथ देखे हमारा, टू आई नॉट अपान टी एक समाकलन देखा साइन एन टी का, तो यह माइनस कॉस ओमेगा टी अपान ओमेगा, लिमिट कहां से कहां तक है समझ में आता है। निहाल आगे बढ़ी, माइनस आगे कह देता ही ओमेगा आगे कह देता ही, माइनस टू आई नॉट ओमेगा टी क्या बचे हैं यहाँ कॉस ओमेगा टी लिमिट कौनो दिक्कत है सो माइनस है बाहर या इंगल दिया लगे टू आई नॉट अपान ओमेगा टी एक दाया पर लिमिट कॉस ओमेगा टी बाई एक बार लोअर लिमिट कॉस जीरो करो दिक्कत कौन दिक्कत मजा आ रही है। आगे देखो माइनस टू आई नॉट अपान ओमेगा आवर्त काल के पदों में टू पाई टी, सूत्र है ओमेगा बराबर टू पाई बटा टी, कोड़ी चाल बराबर कोड़ी दूरी बटे समय, कोड़ी दूरी टू पाई एक चक्कर में दो पाई दूरी और समय टी टी। बाकी क्या लिखा रहा है अंदर वो कॉस ओमेगा जगह कॉस जीरो मान मजा आए यहां लिख देते हैं टी स्टी कर दिया दूर दूर कर दिया कोनो दिक्कत लंबा है दूस दू करके टी स्टी करके कास पाइप मान माइनस ए माइनस दू कट के पाइप मान कोनो दिक्कत हल कर देते एक भाग देगा तो ये आंसर आ गया क्या प्रत्यावर्ती धारा का पहले आधे चक्कर में औसत मान प्लस 0.637 आई नॉट। इसी प्रकार प्रत्यावर्ती धारा का दूसरे आधे चक्कर में औसत मान माइनस 0.637 आई नॉट। डेरिवेशन हो गया तो प्रत्यावर्ती धारा का पहले आधे चक्कर में औसत मान 0.637 आई नॉट और दूसरे आधे चक्कर में औसत मान 0.637 आई नॉट लेकिन माइनस। और बच्चों जिस प्रकार प्रत्यावर्ती धारा का आधे चक्कर हेतु औसत मान और एक चक्कर हेतु औसत मान आया उसी प्रकार अगर हमसे कहता कि प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का औसत मान बताओ तो जहां हम आई लिखे है हर जगह हम ई नॉट लिखते ई लिखते बस और कुछ नहीं। माने इसी प्रकार हम कह सकते हैं प्रत्यावर्ती वोल्टेज का संपूर्ण एक चक्र हेतु औसत मान शून्य तथा पहले आधे चक्र हेतु औसत मान
0.637 वी नॉट, और दूसरे आधे चक्कर हेतु औसत मान -0.637 वी नॉट। और अगर प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का पूरे एक चक्कर हेतु औसत मान कहे तो 0, और आधे चक्कर हेतु औसत मान कहे तो पहले आधे चक्कर हेतु औसत मान 0.637 वी नॉट, दूसरे आधे चक्कर हेतु औसत मान -0.637। इधर क्लियर, समझ आ गया सबको? तो प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान आधे चक्कर और पूरे चक्कर हेतु, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान रूट मीन स्क्वायर करंट। ठीक है, तो पहले इसको मैं समझा दूं, उसके बाद आपको बताऊं कि ये निकाली कैसे जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जरा, प्रत्यावर्ती धारा जीरो से चक्कर करते हुए टी समय में एक चक्कर में कई सारे मान पाई है कि नहीं। तो अगर हम आपसे कहें कि प्रत्यावर्ती, अपने आप परिभाषा करना विभाषिका, देखो प्रत्यावर्ती धारा के एक चक्कर तक सभी मान, एक बार आई वन धारा है, एक बार आई टू है, एक बार आई थ्री है, एक बार आई फोर है, डॉट 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 आई एन, मान लेते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा पूरा एक चक्कर लगाई समय के सापेक्ष, इसके एक चक्कर में कितने मान है, आई वन आई टू आई थ्री आई फोर आई फाइव आई सिक्स, अच्छा डॉट डॉट कुछ ना कुछ आवत रहा हूं ये, तो आई वन आई टू आई थ्री आई फोर आई फाइव आई सिक्स डॉट 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 आई एन प्रत्यावर्ती धारा के समस्त मान है एक चक्कर के दौरान। अगर हम आपसे कहें कि इन मानों का वर्ग कर दो तो ये क्या हो जाएंगे, प्रत्यावर्ती धारा के वर्गमान, प्रत्यावर्ती धारा के वर्गमान, प्रत्यावर्ती धारा के वर्गमान माने मानों का वर्ग क्या हो जाएगा बताओ, आई वन स्क्वायर आई टू स्क्वायर आई थ्री स्क्वायर डॉट 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 आई एन स्क्वायर। यहां तक समझ में? ये एक चक्कर में प्रत्यावर्ती धारा के क्या है, विभिन्न मान, और ये क्या है प्रत्यावर्ती धारा के एक चक्कर में मानों के वर्गमान है। अगर हम कहें कि इनका माध्य निकालो, माध्य माने औसत निकालो, तो आपको हम अभी बताए थे कि औसत कैसे निकालता है, जय की यहां सबको जोड़ दिया और तत्पर्यंत से, तो प्रत्यावर्ती ध्यान से देखना धारा का वर्ग माध्यमान माने वर्गमानों का माध्य लिया जा रहा है, माध्य माने एवरेज औसत। तो ये क्या होगा, ये होगा आई वन स्क्वायर आई टू स्क्वायर, जो मान है इनका जो है माध्य निकाला जाएगा जोड़ के, जैसे है कैसे, यही तो प्रत्यावर्ती धारा का क्या है, वर्ग माध्यमान। अब इसका अंडर रूट ले लो, अंडर रूट को क्या कहते हैं, वर्गमूल। तो माने प्रत्यावर्ती धारा इसी का वर्गमूल ले रहे हैं क्या, जो वर्गमाध्य मान था उसी का क्या ले ले, मूल। कोई दिक्कत? तो प्रत्यावर्ती धारा के एक चक्कर में प्राप्त मानों के वर्गों के माध्य का वर्गमूल ही वर्ग माध्य मूल मान कहलाता है। प्रत्यावर्ती धारा के एक चक्कर में विभिन्न मानों के वर्गों के माध्य का वर्गमूल ही वर्ग माध्य मूल मान कहलाता है, आई आर एम एस रूट मीन स्क्वायर करंट, या इसी को बार आई व्यक्त करते हैं। तो समझ में आ गया, प्रत्यावर्ती धारा के संपूर्ण एक चक्र के दौरान समस्त मानों के वर्गों के माध्य का वर्गमूल मान ही
वर्गमाद मूल मान कहलाता है। ये देखिए, तो आप ये समझ गए कि प्रत्यावर्ती धारा के वर्गमाद मूल मान से क्या तात्पर्य है। प्रत्यावर्ती धारा के एक चक्कर के दौरान प्राप्त मानों के वर्गों का माध्य का वर्गमूल वर्गमाद मूल मान कहलाता है। तो अब बच्चों इसे हम निकालने चलते हैं, डेरिवेशन है मैथमेटिकल, प्लीज मेरे साथ रहिएगा और देखने का प्रयास करिएगा। तो बच्चों जब प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमाध्य मूल मान निकालना रहता है तो पहले वर्गमाध्य मान निकाल करके उसका अंडर रूट कर देते हैं वर्गमूल, तो वर्गमाध्य मूल मान आ जाता है। तो यहां देखो जरा, प्रत्यावर्ती धारा के संपूर्ण एक चक्कर के दौरान धारा का, थोड़ा बेहतर समझना बहुत कठिन है, वर्ग माध्य मान, देखो मैं मूल नहीं लिखा है, मैंने हर्षितवाम का निकाले जाते हैं, आई आर एम एस के स्क्वायर निकाले जाते हैं, अंदर ना लगाए गए स्क्वायर लगाए जाते हैं, माने हमको प्रत्यावर्ती धारा के मानों के वर्गों का माध्य निकालना है। प्रत्यावर्ती धारा के मानों के वर्गों का, तो माने प्रत्यावर्ती धारा पूरे एक चक्कर में जितना हो सबको जोड़ दे, जेड टू द साथ यही होता है। तो माने हम कहां से कहां तक की धारा जोड़ दे, जीरो से टी समय तक, और धारा का वर्ग जोड़े किसके सापेक्ष धारा है, और जितनी धारा हो उसको क्या करें, अब की बार कितने भाग दें, तब की बार कितने भाग दिए, क्यों वर्ग क्यों किए हैं, क्योंकि हमको धाराओं के वर्ग का माध्य निकालना है। तो अभी तक तो समझ में आ रहा है, वन अपान टी जीरो से टी, आई की जगह क्या लिख सकते हैं, लिखा सही बात दोनों दिक्कत, वन अपान तीन जीरो से तीन आई जीरो स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, कोई दिक्कत, आई जीरो स्क्वायर बाहर आ गया, थोड़ा लोग बेटा समझो हम क्या करें, मैं इसे पूरी यहां जीरो से टी क्या लिखा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। प्यारे बच्चों जो मैथ वाले हो उन्हें तो क्लियर समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बेटा जब साइन स्क्वायर थीटा का समाकलन करना होता है, जो बच्चे समाकलन पढ़े होंगे जानते होंगे, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का जब समाकलन रखना होता है तो उसे हम कॉस टू थीटा में बदल देते हैं, तब समाकलन कर पाते हैं। तो बाय द वे बच्चों के लिए हम यहाँ बता दे रहे हैं, याद कर लीजिए, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस कॉस टू थीटा बटे टू, ठीक, तो इसी का प्रयोग कर देंगे, ये हो जाएगा आई जीरो स्क्वायर अपान टी जीरो से टी, ये सारा नवटंकी समाकलन करने के लिए कर रहे हैं, क्या हो जाएगा देखो, वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी, माने वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी बटा, जैसे साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस कॉस टू थीटा बटा दो, यहां जाऊं रहे हो कह दुगना, यहां जाऊं रहे हो कह दुगना, समझ आए, हर्षु देखो आई आर एम एस का स्क्वायर बराबर क्या रहा है, देखो आई नॉट स्क्वायर बटे दो टी, दो बाहर कर दिए, इंटीग्रेशन जीरो से टी वन माइनस कॉस टू ओमेगा
समाकलन करें, आई नॉट स्क्वायर बटा टू टी जीरो से टी समाकलन कर दे रहे हैं, एक का समाकलन टी के सापेक्ष टी क्या होता है और कॉस थीटा का समाकलन साइन थीटा बटा ऊपर नीचे जाऊं भाग, यह प्रॉपर्टी लिख देते हैं जो कि इंटीग्रेशन वन डी टी बराबर टी और इंटीग्रेशन कॉस एन टी डी टी बराबर साइन एन टी, ये बगल में लिख दिए हैं बाय वाले बच्चों के लिए ठीक है। यहां से एक का समाकलन टी के सापेक्ष टी हुई है, कॉस टू ओमेगा टी समाकलन साइन टू ओमेगा टी बटे टू ओमेगा, ठीक है कोई दिक्कत मजा आए। आई नॉट स्क्वायर बटा टू टी ये सवाल देखा मैं इसलिए हमारे भाई एकदम पूरे में टी लिख दे ना? Yes, तो कैपिटल टी माइनस साइन टू ओमेगी टी अपान टू ओमेगी यही तो एक जगह सब में जीरो तो जीरो प्लस साइन जीरो अपान टू ओमेगी ओके ओके आई नॉट स्क्वायर अपान टू डी टी माइनस साइन टू ओमेगा का मतलब ये जीरो जीरो मजा नहीं आया होती है क्यों का क्यों टी साइन कितना आएगा साइन फोर पाई साइन फोर पाई माने साइन 720 साइन 720 के मान जीरो 360 के गुणक में साइन चाहे जाए आंसर हाथों के मान का हो तो यही लिखते हैं साइन फोर पाई बराबर कितना बढ़िया एक्सप्लेन करिए पूरा टी से टी अरे मोरी माई आई स्क्वायर आर एम एस आई कितना है तो आई आर एम एस अंडर रूट ले लो ठीक है माने आई नाट अपान एक दशमलव चार एक चार न माना जगह और बच्चों प्रत्यावर्ती धारा के संपूर्ण एक चक्र का वर्गमाध्य मूलमान आ गया 0.707 आइलर याद रहेगा। इसी तरह से प्रत्यावर्ती वोल्टेज का औसत मान 0.707 वी नॉट प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का औसत मान 0.707 ई नॉट वर्गमाध्य मूल तो प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमाध्य मूल मान 0.707 आई नॉट प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वर्गमाध्य मूल मान 0.707 वी नॉट और प्रत्यावर्ती ईएमएफ के औसत मान 0.707 ई नॉट। प्यारे बच्चों समय कम होने के नाते थोड़ा कुछ चीजें साथ में पढ़ाने जा रहे हैं, मतलब जितना जरूरत है उतना पढ़ा रहे हैं, ये मत समझना कि शॉर्ट कर रहे हैं तेज पढ़ा दे रहे हैं। तो समझो देखो जरा एक चीज बहुत काम की है, विभिन्न प्रत्यावर्ती परिपथ ध्यान से देखिए, आधा चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है ठीक है। विभिन्न प्रत्यावर्ती परिपथ हम कुछ छोड़ा में बैठुआ सब चुपे चुपे बता दे मैं जान ही न पा गया। विभिन्न प्रत्यावर्ती परिपथ प्यारे साथियों एक बार में ही सीखने का प्रयास करिए, आपके सर के पास आपके पास समय कम है इसलिए बहुत डीप में न जा करके नॉर्मल स्तर पर चीजें बता रहा हूँ। विभिन्न प्रत्यावर्ती परिपथ इधर देखिए जरा कुछ चीजें जो बता रहा हूँ जो जरूरी है, यल परिपथ
क्या? जिस प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, जिस परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा स्रोत प्रेरण कुंडली से जुड़ा हो, उसी परिपथ को क्या कहते हैं? इसका चित्र कैसे बनता है जानिए। ये क्या बनाए हैं वो जो है हर्षिता, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत, और अगर हम यहां एक प्रेरण कुंडली जोड़ दें तो इसे ही हम यल परिपथ कहते हैं। कौन सा परिपथ कहते हैं बेटा? चित्र समझ में आया? और देखो, यल के सिरों की बोल्टता वीयल धारा आई की बोल्टता आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी। क्या होता है बेटा? याद रहेगा, यल परिपथ की परिणामी वोल्टता परिणामी प्रतिरोध। याद है, शुरू बाद में छापो। अगर कोई प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरण कुंडली जुड़ी हो तो उसे यल परिपथ कहते हैं, और प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण जीवन भर के लिए याद रखो, आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा। और अगर प्रेरण कुंडली रहे तो उसकी जो है वोल्टता 90 पश्चगामी माने 90 पीछे होती है, उसी वोल्टता का समीकरण याद कर लीजिए हमेशा के लिए, बी बराबर वी जीरो साइन ओमेगा टी माइनस 90। ठीक है, क्या लिखोगे? अच्छा, कभी कभी आदमी फंसा देता है, फंसा क्या देता है कि अगर कभी लिख दिया बीएल बराबर बी जीरो साइन ओमेगा टी, तो फिर पक्का आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी प्लस 90 लिख देना, दोनों में 90 का फर्क दिखना चाहिए, और ये 90 अग्रगामी होनी चाहिए धारा को, और वोल्टता 90 माने 90 कम रहना चाहिए, धारा 90 आगे रहना चाहिए, ये हमेशा रहना चाहिए। तो अगर हम ये साइन ओमेगा टी लिखे तो वहां का लिखा, और अगर हुआ केवल ओमेगा टी लिखे तो यहां का लिखे, समझ में आया? कंफ्यूजन हो जाए बदला रहा तो। और यल परिपथ में चित्र ऐसे बना था, और यल परिपथ के परिणामी प्रतिरोध का प्रेरण प्रतिघात कहा जाता है, यह प्रतिरोध माने प्रतिघात होते। ठीक है, देखो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिरोध के दो नए नाम हैं, एक है प्रतिघात और एक है प्रतिबाधा। जब एक एक चीज जुड़ी रहा कमो कुंडली में परिपथ में तो ओमे प्रतिरोध का प्रतिघात कहा जाता है, और जब दो चीज जुड़ जाता है या तीन चीज जुड़ जाता है तो प्रतिरोध के प्रतिबाधा कहा जाता है। ठीक है, तो प्रतिरोध को यहां क्या कहते हैं? प्रेरण प्रतिघात एक्सएल, और इसकी वैल्यू याद रखिए हमेशा एक्सएल बराबर ओमेगा। ठीक है, ये कौन परिपथ बना है? यल परिपथ। एक है कभो कभो डायग्राम बनवे गया था तो चित्र ये हमारा जो है प्रत्यावर्ती धारा चित्र, ठीक है चित्र बेटा, लेकिन हमारा वोल्टता 90 पश्चगामी है, माने वोल्टता 90 पीछे चले गया यहीं से। यहीं अभी यह लिखते हैं या यहीं अभी यह कौन है परिपथ के चित्र? ठीक है, यह परिपथ द्वारा में इतना चीज जाना क्या जान गया है? याद रहे सी परिपथ
परिभाषा समझ गया कि जब प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से कौनों संधारित्र जुड़ा रहा है तो ओका का कहा जाता है। परिभाषा मतलब जिस परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा स्रोत संधारित से संधारित्र जुड़ा हो, क्या जुड़ा हो, तो सी के सिरों की वोल्टता वी सी, धारा आई की वोल्टता या धारा आई का मान हमेशा क्या रहता है, धारा आई हमेशा आई जीरो साइन ओमेगा टी लिखा करोगे, कोई दिक्कत। और सी परिपथ का प्रतिरोध क्या होगा, अभी बताए हम, क्या लिखा जाएगा, धारकीय प्रतिघात किससे लिखा जाता है, और इसकी वैल्यू याद रखिए 1/ओमेगा सी। इसका चित्र भी याद रखिए, ऐसे ये धारा का है, यहां 90 अग्रगण समीकरण वी जीरो साइन ओमेगा टी प्लस 90 और 90 अग्रगामी मैंने चित्र ही ऐसे बने। तो यहां ये बात समझ में आ गई, दो तीन चीजें याद रख लीजिए। धारा आई का इक्वेशन हमेशा क्या होता है, आई जीरो साइन ओमेगा टी, हर प्रकार के परिपथ के लिए, प्रत्यावर्ती धारा का कोई भी परिपथ हो हमेशा आई का समीकरण क्या होता है, आई जीरो साइन ओमेगा टी, याद हो गया कि नहीं, धारा आई इक्वल साइन ओमेगा टी। अगर कोई प्रत्यावर्ती धारा स्रोत बनाया जाए अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स और उसमें जो है इंडक्टिव कॉइल जुड़ी हो, प्रेरण कुंडली, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है आदित्य पांडे, प्रेरण कुंडली जुड़ी है, तो ऐसे परिपथ को यल सर्किट कहा जाता है। और बच्चों ये भी याद कर लो कि आई का इक्वेशन आई जीरो साइन ओमेगा टी होता है और इसके सिरों की जो वोल्टेज होती है वो जो है 90 कम होती है, 90 बैक होती है हमेशा, देखो तीन ही जो है उपकरण इस्तेमाल होते हैं एसी सर्किट में, पूछो कौन कौन, एक तो प्रतिरोध इस्तेमाल होता है, एक प्रेरक कुंडली माने इंडक्टिव कॉइल, और एक कैपेसिटर संधारित्र इस्तेमाल होता है, तीन चीजें। ध्यान से सुनो, बैग नीचे उतार के याद याद दो, हमेशा के लिए याद कर लो, हमेशा के लिए, सभी बच्चों की मदद के लिए बोल रहा हूं, याद कर डालिए जीवन भर के लिए, आई का समीकरण आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी, याद हो गया कि नहीं, अगर इंडक्टिव कॉइल की वोल्टता वीएल हो तो इसकी जो है वोल्टता 90 कम होती है, माने बी जीरो साइन नाइन ओमेगा टी माइनस 90, याद हो गया कि नहीं, और कैपेसिटेंस की वोल्टता 90 ज्यादा होती है तो साइन ओमेगा टी प्लस 90, याद रहेगा। और अगर रेजिस्टेंस रहे, क्या रहे, रेजिस्टेंस की वोल्टेज वी आर हमेशा करंट की डायरेक्शन में होती है, माने साइन ओमेगा टी, ऐसे तो क्या फार्मूला बताया याद करने, तो बिना इस तरह खड़े हो, आई बराबर आई नॉट, याद हो गया नहीं, और अगर जो है इंडक्टिव कॉइल हो प्रेरण कुंडली वी एल तो ये 90 कम हो जाएगी, इसकी फेज कला 90 पश्चगामी होती है, तो V0 साइन ओमेगा टी माइनस 90, लेकिन अगर जो है संधारित्र या कैपेसिटेंस हो तो 90 ज्यादा होती है, V0 साइन ओमेगा टी प्लस 90, याद रहेगा। और अगर बेटा रेजिस्टेंस हो
तो रेजिस्टेंस और करंट दोनों सेम फेज में होते हैं, तो आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी, तो वी बराबर वी जीरो साइन। समय का मैं इसलिए बता नहीं रहा ऐसा क्यों होता है, आपको इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए जानते रहो कैसा होता है, ठीक है। रजिस्टर में जैसे जैसे करंट जाती है वैसे वैसे वोल्टेज बढ़ता है, माने दोनों सेम फेज में चलते हैं। तो जो करंट का कला होती है वही रजिस्टेंस का भी कला होती है, याद रहेगा। और एक चीज याद कर लो, माइंड मेकअप कहिए आप लोग, एक और चीज याद कर लो, ध्यान से देखिए जो याद करने वाली है बात। विनय मिश्रा, अगर हमको आई का चित्र बनाना हो ग्राफ, तो हमेशा आई का ग्राफ ऐसे बनाते हैं। ये किसका ग्राफ है याद है कि नहीं? दुनिया का कोई एसी पंचक हो, हर प्रकार के पंचक में आई का ग्राफ ऐसे बनता है, और इसका समीकरण आई का क्या होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। इधर देखो, और बेटा अगर आर का सर्किट बनाना हो तो भी ऐसे बनेगा, क्यों? क्योंकि दोनों सेम फेज में है। तो ये आर का भी बस यहां पर वी आर नहीं उठेगा, मतलब ऐसे यहां वी आर, यहां वी आर ऐसे, इधर क्लियर। तो आर और आई के चित्र या वक्र ग्राफ एक ही जैसे बनेंगे। अब हमसे पूछो बीएल का कैसे बनेगा और बीसी का, पूछो तो बीएल और बीसी का, वीएल 90 कम है तो इसको 90 पीछे देख चलेंगे। देखो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, जो डॉट डॉट लाइंस बनाए, इसको यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से नहीं स्टार्ट करते हैं, देखो यहां से स्टार्ट किया, डॉट डॉट ऐसे ऐसे, माने 90 बैक से 90 पीछे चलेगा, ठीक है। तो देखो 90 पीछे चले ऐसे, यहां से फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, याद रहेगा। जहां कहीं आपको वीएल का चित्र बनाना रहेगा ऐसे बना लोगे कि नहीं? पक्का बना लोगे, श्योर। और बीसी का चित्र 90 अग्रगामी, माने ऊपर से बना लोगे, 90 पहले से, माने ये 0 है, 90 पहले पहुंच गया है, जब 0 रहा तो 90 ज्यादा वाली कंडीशन है अधिकतम बाई। तो ये क्या चित्र बेटा, वीसी है। क्या चित्र याद करा दिए, 4। अब कई क्वेश्चन याद करा दिए, 4। आई का समीकरण याद हुई है, वीएल का समीकरण माइनस 90, और वीसी का समीकरण प्लस 96, और वीआर का समीकरण। और ग्राफ में देखो जरा, अगर धारा का ग्राफ बनाना होगा प्रत्यावर्ती धारा का ऐसे बनेगा, और अगर वीएल का ग्राफ बनाना रहेगा तो नीचे से स्टार्ट करेंगे, और वीसी का ग्राफ बनाना रहेगा तो। और बच्चों ध्यान से सुनो, अगर वीआर का ग्राफ बनाना रहेगा तो ऐसे बनाएंगे, याद हो गया सबको कि नहीं? अब एक मिनट सभी लोग, हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा पथक कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहला यल पथक याद कर लीजिए, सच टाइप ऑफ अल्टरनेटिंग सर्किट इन विच एनी इंडक्टिव कॉइल इज अटैच्ड फ्रॉम या विद एनी अल्टरनेटिंग सोर्स, मतलब जब अल्टरनेटिंग सोर्स से प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से यल जुड़ा रहे प्रेयर कुंडली, तो इस पथक को क्या कहते हैं, यल पथक। चित्र कैसे बनेगा, यल जुड़ा है प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से, डेफिनेशन बना लोगे कि जब जो है सर्किट पे यल जुड़ा हो तो वो यल सर्किट है, और इसमें आई का इक्वेशन क्या होगा, इसके सिरों के वोल्टेज वीएल होगा, और उसका इक्वेशन क्या होगा, और इस प्रकार के सर्किट में जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होता है उसको हम इंडक्टिव रेजिस्टिविटी कहते हैं। ये देखो इंडक्टिव रेजिस्टेंस एक्सएल से लिखते हैं, और इसका चित्र ऐसे बनेगा। चित्र कैसे बनाएगा, ये किसका ग्राफ है, आई का, और ये किसका ग्राफ है, याद हो गया पक्का। अब ध्यान सुन लो भाई साहब, चैप्टर में खत्म हो गया है। सी पाइपर, अगर हम आपसे कहें कि सी पाइपर के बारे में बताओ, तो सच टाइप ऑफ अल्टरनेटिंग सर्किट इन विच एनी कैपेसिटेंस इज अटैच फ्रॉम सोर्स, माने जब जो है प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ कोई संधारित्र जुड़ा हो तो उसे हम क्या कहते हैं, सी पाइपर। हर पाइपर पे बेटा चार बातें बतानी होती, पूछो उनसे क्या क्या, हर पाइपर पे चार बातें, परिभाषा बताओ, चित्र बनाओ, धारा और वोल्टेज के समीकरण बनाओ, ग्राफ बनाओ। हर पाइपर में क्या चीज बतानी होती है, पहले फिर समीकरण, फिर पहले कौन पंचपद बनाए हम, चित्र बन गया, परिभाषा बन गया, समीकरण में दो ये चीज देखा है, आई के और बी के, तो आई समीकरण कहा है,
के ग्रफों ने बने पाऊ ग्रफो आई वाला तो ऐसे बने और बीएल आज जनता ये याद करा दे याद पीछे अड्डा करा दी। अब उसके बाद सी फाइव पर पहले क्या बताई तो जनता या सच टाइप ऑफ सर्किट व्हेन अल्टरनेटिंग सोर्सेज अटैच फ्रॉम कैपेसिटर नाम से पढ़ना चाहता है कि नहीं बोलो चित्र ऐसे बन जाएगा बना लोगे और उसके बाद समीकरण बताओगे किसका किसका समीकरण बताओगे धारा धारा समीकरण क्या होगा पक्का फिर बी एल और बी सी का समीकरण फिर क्या बनाओगे ग्राफ ग्राफ ऐसे बनेगा ये किसका ग्राफ है और डॉट वाला समझ आया कई चीज बतानी रहेगी यार परिभाषा चित्र ग्राफ समीकरण ये दोनों को बना जल्दी सभी लोग बता रहे हैं किसी भी प्रकार के अल्टरनेटिंग सर्किट को पढ़ने के लिए छह टॉपिकों का नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहले उसकी परिभाषा डेफिनेशन आनी चाहिए आपको फिर उस परिपथ के जो है फिगर कैसा चित्र बनेगा ये मालूम होना चाहिए प्रज्ञान बेटा उस परिपथ में वोल्टेज और धारा के इक्वेशन आने चाहिए किसके किसके बेटा वी और आई का वोल्टेज और धारा का इक्वेशन आना चाहिए ठीक है और उस परिपथ का ग्राफ आना चाहिए परिपथ का वेक्टर पता होना चाहिए रेजिस्टेंस पता होना चाहिए आपको चूंकि शॉर्ट में पढ़ाना है ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी इसलिए प्रज्ञान एक चीज सिखा दे रहा हूँ सीख लीजिए हमेशा के लिए कि ग्राफ और इक्वेशन कठिन होता है जान लीजिए कि हमेशा आई का इक्वेशन आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है हर प्रकार के सर्किट के लिए ये मतलब आपको याद हो जाना चाहिए। अभी आपको हम ये सब पढ़ाएंगे अलग से तो प्रूफ करके दिखाएंगे कि ये इक्वेशन क्यों होता है लेकिन आप जानिए कि सरल आवर्त गति होती है प्रत्यावर्ती धारा की मतलब अल्टरनेटिंग करेंट इज इन द फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन सरल आवर्त गति या सिंपल हार्मोनिक मोशन के फॉर्म में होती है और इसका इक्वेशन हमेशा ये होता है याद हो गया किसका इक्वेशन याद हो गया और बेटा हमको वोल्टेज का भी इक्वेशन बताना है तो आप ये भी जान लो बेटा कि हमारे अल्टरनेटिंग करंट में तीन प्रकार के डिवाइस यूज होती है कितने डिवाइस रेजिस्टेंस और कैपेसिटर और इंडक्टिव कॉइल हाउ मेनी डिवाइसेस आर यूज इन आवर अल्टरनेटिंग करंट रेजिस्टेंस इंडक्टिव कॉइल एंड कैपेसिटर संधारित्र वैद्युत प्रतिरोध और प्रेरण कुंडली तीन चीजें यूज होती है कभी केवल एक जुड़ी रहती है कभी दो जुड़ी रहती है कभी तीन जुड़ी रहती है और इसलिए छह प्रकार के परिपथ हो जाते हैं तो मतलब कितने डिवाइस हो गई कौन कौन कैपेसिटर संधारित्र इंडक्टिव कॉइल और रेजिस्टेंस अब बच्चों तो तीन डिवाइस है तो तीन है तो वोल्टेज बने तो तीनों वोल्टेज अलग से याद कर लिया ज्यादा झंझट नहीं रहे तो तीनों वोल्टेज में याद करने का तरीका बताओ बेटा जौन रेजिस्टेंस होता है बताओ उसकी कला यही होती है मतलब इसका समीकरण वी जीरो साइन ओमेगा टी ई लगेगा याद रहेगा याद तो हो गया होगा कि रेजिस्टेंस की जो है फेज वही रहती है वी जीरो साइन ओमेगा टी तो वही और बेटा जो इंडक्टिव कॉइल होती है वो 90 माइनस होती है और जो कैपेसिटेंस होता है वो 90 प्लस ठीक है तो मतलब 90 फॉरवर्ड 90 बैकवर्ड तो यहां पर देखो इंडक्टिव कॉइल की वोल्टेज का बीएल वी जीरो साइन ओमेगा टी माइनस 90 और वी सी वी जीरो साइन ओमेगा टी प्लस 90 याद हो गया ये बेटा हमको जो है किसी भी एसी सर्किट के वर्णन करते समय यूज होंगे एसी सर्किट का वर्णन हम कई स्टेप पे करेंगे ठीक है कई स्टेप पे करेंगे हमको उसकी डेफिनेशन बतानी होगी जो बड़े आराम से बता देंगे आप सभी लोग बता लोगे फिर उसके बाद हमको उस जो है सर्किट का फिगर बनाना होगा वो भी हम बड़े आराम से बना देंगे फिर उसके बाद जो है इक्वेशन बताना रहेगा तो इक्वेशन किसका किसका बताना रहता है बी का आई का आई का वैसा ऐसे रहेगा अगर सर्किट पे एल है तो ये वाला इक्वेशन लिखेगा सर्किट पे सी है ये वाला लिखेगा सर्किट में आर है ये वाला लिखेगा ठीक है तो क्या बताए इक्वेशन वोल्टेज का इक्वेशन बताए कि आई का इक्वेशन आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी ओमेगा टी यहां फेज कहलाती है कला और अगर सर्किट में रेजिस्टेंस है तो उसकी फेज सेम होती है तो माने उसकी कला सेम होती है उसका समीकरण भी जीरो साइन ओमेगा टी
लेकिन अगर प्रेरण कुंडली इंडक्टिव कॉयल वीएल है तो उसका जो है समीकरण 90 कम रखा जाता है, साइन ओमेगा टी माइनस 90, और अगर जो है कैपेसिटेंस होता है तो 90 ज्यादा प्लस 90 याद हो गया। अब उसके बाद क्या बताना चाहता हूं मैं, तो ग्राफ के लिए तीन चित्र याद करो, क्या फिगर याद करो बेटा, ये याद करो ऐसा ग्राफ बनाते हैं आई का, ये किसका ग्राफ है बेटा, सबको याद हो गया कि नहीं, किसका ग्राफ है, क्लियर। अब बेटा वीएल हमारा 90 पीछे होता है, देखो माइनस 90, तो वीएल का ग्राफ यहां से बनाते हैं ऐसे, ये वीएल का ग्राफ है, कोई दिक्कत, जिस भी सर्किट में वीएल आएगा उसका ग्राफ हम ऐसे बना देंगे, इस तरह से चलेंगे, किसका ग्राफ है, 90 पीछे वाला ग्राफ है, और जब 90 आगे का ग्राफ बनाना रहे तो यहां से लिख चलेंगे, देखो ये जीरो चला है और ये माइनस 90 चला है और ये प्लस 90 है, ऐसे ग्राफ बन जाएगा, ये किसका ग्राफ है, ओबीसी का। और बच्चों चूंकि तीन ही चीज तो यूज होती है तो तीन ही ग्राफ हमको आने चाहिए, ये कैसा ग्राफ है और ये, और ये अगर हम कहें वी आर का ग्राफ बताओ तब ऐसे ही बन जाएगा, क्यों, क्योंकि वी आर और आई दोनों सेम है, कितना याद हो गया प्रज्ञा से, नहीं एक बार फिर से देखो, हमको कठिन क्या होता है किसी सर्किट पे पढ़ने के लिए, ग्राफ और इक्वेशन, तो इसलिए अलग से याद कर डालो भाई मेरे, करंट का इक्वेशन आई बराबर, और अगर रेजिस्टेंस हो तो उसका वोल्टेज का इक्वेशन, और अगर एल हो इंडक्टिव कॉइल तो उसका इक्वेशन, और अगर कैपेसिटेंस हो प्लस, कैपेसिटेंस का फिगर ऐसे, सर्किट का एल का ऐसे, आई और आर का ऐसे। एक और चीज यहां देखो बेटा, छह चीजें बतानी है ना, तो जब कभी किसी सर्किट में एसी सर्किट, एसी सर्किट छह प्रकार के होते हैं, एल सर्किट, सी सर्किट, आर सर्किट, एल आर सर्किट, एल सी सर्किट, एल सी आर सर्किट, समझ गए क्या प्रकार के सर्किट है, छो सर्किट का डिस्क्रिप्शन मतलब आधा लेसन, तो छो सर्किट के बारे में हम ये बता रहे हैं कि यहां पर जानो छह स्टेप बताना होता है, लेकिन अगर किसी सर्किट में केवल एक डिवाइस है, कितना डिवाइस, तो फिर केवल चार ही स्टेप बनाने होंगे, और एक से ज्यादा डिवाइस है तो दो और बढ़ जाएंगे, कौन कौन बेटा, ठीक है, और वेक्टर जान लो, चूंकि देखो अगर आर को देखो तो आई की डायरेक्शन में है, तो आर माने वी आर हमेशा ऐसे बनेगा, और वीएल बनाना हो, ये 90 बैक होता है, तो वीएल का फिगर अगर बनाना हो तो ऐसे बनेगा, ये किसका फिगर है, वेक्टर वीएल, क्या है ये, और बीसी बनाना हो तो ऊपर 90 अपसाइड, तीनों वेक्टर याद हो गए, आर करंट की डायरेक्शन में होता है इसलिए उसका वेक्टर हमेशा एक्स अक्ष के अकॉर्डिंग बनाना, और वीएल 90 पीछे होता है तो कैसे बनाएंगे उसका वेक्टर, वाई एक्सिस के अलावा निगेटिव डायरेक्शन में, और वीसी कैसे बनाएंगे ऊपर, वेक्टर की रिक्वायर्ड कब होगी, जब फिगर में एक से ज्यादा डिवाइस हो, तो प्रज्ञा बेटा कुल कितने प्रकार के एसी सर्किट है, चलो सबसे पहले एल सर्किट, कौन सा सर्किट बताने, दिमाग में याद रखो परिभाषा बतानी है, फिगर बताना है, इक्वेशन बताना है, ग्राफ यही तो बताना है, तो एक मिनट, एल सर्किट डेफिनेशन बता रहे हैं, जिस परिपथ में प्रेरण कुंडली प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ जुड़ी हो उसी परिपथ को यल परिपथ कहते हैं, अंग्रेजी कैसे बोले, सच टाइप ऑफ सर्किट इन विच यल इंडक्टिव कॉइल इज अटैच्ड फ्रॉम अल्टरनेटिंग सोर्स कॉल्ड यल सर्किट, माने अल्टरनेटिंग सोर्स से इंडक्टिव कॉइल जुड़ी हो ऐसे सर्किट को क्या कहते हैं, फिगर बनाओ, फिगर देखो ये क्या है अल्टरनेटिंग सोर्स और ये क्या है इंडक्टिव कॉइल, फिगर बन गई, डेफिनेशन हो गई, सच टाइप ऑफ सर्किट इन विच अल्टरनेटिंग सोर्स इज कनेक्टेड फ्रॉम इंडक्टिव कॉइल, ओके इट्स कॉल्ड यल सर्किट, फिर क्या बनाएंगे फिगर, तो फिगर में अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ क्या बना देंगे, फिर क्या बनाना है इक्वेशन, किसका किसका, V का I, एक मिनट, आई बराबर तुरंत लिख देंगे इक्वेशन, लिख दिए ना ये I बराबर I जीरो, लेकिन इसमें क्या जुड़ा है, L, L जुड़ा है ना, तो माने VL बताए, VL हमको याद है 90 क्या होता है,
तो वीएल क्या लिख दिए, और इस सर्किट का जो रेजिस्टेंस होता है उसको एक्सएल से लिखते हैं, ठीक है, इंडक्टिव रेजिस्टेंस एक्सएल। क्या लिखते हैं बेटा? एक्सएल का फार्मूला याद रखो, ओमेगा एल। फिगर बनानी है, क्या बनानी है? करंट, करंट का दो जितने क्वेश्चन रहे उतने फिगर बनती है। करंट आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी का फिगर हमने रटाया है आपको ऐसे होता है। और क्या है? वोल्टेज है। और बीएल का फिगर अभी आपको बताया थी ऐसे में, तो ये देखो ऐसे बना दिए नीचे से ले जाके, खत्म हो गया सर्किट, फिनिश। क्लियर? अब हम आते हैं सी सर्किट में, किस अपने आप समझो, सच टाइप ऑफ सर्किट इन विच अल्टरनेटिंग सोर्स इज कनेक्टेड फ्रॉम कैपेसिटर। मतलब एक ऐसा प्रत्यावर्ती धारा स्रोत जिसमें धारा पाइप जिसमें जो है स्रोत संधारित्र से जुड़ा हो, उसे हम क्या कहते हैं? सी पर। अब क्या बनाएंगे इसकी? फिगर, फिगर बनाएंगे। तो फिगर ऐसे तो बनाएंगे कि ऊपर अल्टरनेटिंग सोर्स है, नीचे क्या है? हो गया। अब हमको क्या बताना रहता है? इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या बताया बेटा? आई का हमेशा याद रखो क्या होता है, और बी का बी सी बराबर, याद हो गया। अब हम फिगर बनाए ग्राफ, तो ग्राफ आई का तो ऐसे बनेगा, और VC का ग्राफ भी देखो सिखाया है, ऊपर से ले चलो, जब 90 प्लस रहे तो 90 प्लस ऊपर से ले चलो, और 90 माइनस नीचे, ये सी पर पथ हो गया, डिस्क्रिप्शन फाइनल हो गया। और इसके रेजिस्टेंस को कैपेसिटिव रेजिस्टेंस एक्स सी कहते हैं, फार्मूला 1/ωc। ये एल पर पथ है, ये याद हो गया, कोई दिक्कत? क्लियर? आर परिपथ, आर परिपथ किसे कहेंगे सर? आई नॉट साइन ओमेगा टी किसे कहेंगे यार? पहले मैं गा सब बोलूं सर, जिसमें कोई प्रत्यावर्ती धारा स्रोत सर, उसमें कोई अकेले हैरान बुद्धि का चले कहूं, और ध्यान बात कौन बताएगा सर? हाँ बताओ। वह परिपथ जिसमें प्रतिरोध तथा प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जुड़ा हो, बस सिंपल, जिस परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा स्रोत प्रतिरोध से जुड़ा हो। सच टाइप ऑफ सर्किट इन विच अल्टरनेटिंग सोर्स इज कनेक्टेड विद रेजिस्टेंस, ठीक है ना? पहले यही बताते हैं, माने जिस परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा स्रोत माने अल्टरनेटिंग सोर्स किससे जुड़ा हो? वाह प्रतिरोध से, प्रज्ञान। अब इसके बाद चित्र बनाएंगे क्या? तो चित्र कैसे बनेगा बेटा? चित्र कैसे बनेगा? इधर देखो, ये ऊपर क्या बनाएंगे बेटा? नीचे रेजिस्टेंस। बन गया चित्र बेटा, कोई दिक्कत? फिर क्या करते हैं? इक्वेशन, किसके किसके इक्वेशन? यहां धारा करेंट आई इक्वल आई जीरो साइन और वी आर माने सिरो की बोल्ट था वी जीरो वही सेम फेज। और अब क्या बनाए? ग्राफ। आसिफ सिराजुद्दौला, ग्राफ कैसे बनता है? पहले आई का ग्राफ बनाते हैं, किसका ग्राफ बनाते हैं? आई का ग्राफ कैसे बनाते हैं? कैसे बनाते हैं ग्राफ आई के बताओ? ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये आई नॉट है, ये यहां वाई एक्सिस है, ये एक्सिस, कोई दिक्कत? अब किसका ग्राफ बनाना है? वी आर का। हमने बताया कि वी आर भी वैसे ही बनता, सेम थिंग, देखो ऐसे बना देंगे, लेकिन इसको डॉट डॉट बनाते हैं, वोल्टेज वाले को डॉट डॉट, उसी तरह बना है क्या ये? अगर वीएल होता तो यहां से स्टार्ट करते, वीसी होता तो यहां से, हो गया वर्णन, हो गया वर्णन, कोई दिक्कत बेटा? समझ आया? और यहां पर बता देना कि इसके जो रेजिस्टेंस है उसको हम केवल रेजिस्टेंस आर कहते हैं। समझ आया किस प्रकार के बारे में? सत्तम कुरेसी खड़े हो, एल आर परिपथ। पहली चीज तो एक इसमें डिस्टर्बेंस हो गई, क्या इसमें एक से ज्यादा डिवाइस हो गई है? और जब एक से ज्यादा डिवाइस रहेगी तो आपको 6 डिस्क्रिप्शन करने होंगे, वेक्टर डिस्क्रिप्शन और बढ़ जाएगा,
ग्राफ वाला छोड़ दो तो भी चलेगा, लेकिन वेक्टर डिस्क्रिप्शन जरूर रहेगा। चलो डेफिनेशन बोलो पहले, बैठ के काम ना चले, तू बोलो। सच टाइप ऑफ अल्टरनेटिंग सर्किट इज कनेक्टेड विद रेजिस्टेंस एंड इंडक्टिव कॉइल, दोनों जुड़ा है। Such type of circuit in which alternating source is connected with inductive coil as well as resistance both. Better. एक ऐसा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ प्रेरण कुंडली और बाह्य प्रतिरोध जुड़े हों, उसे हम एलआर परिपथ कहते हैं। ध्यान देना मेरा बेटा सीधा प्लीज, ये क्या है सोर्स और यहां पर क्या जोड़ दें प्रेरण कुंडली और यहां कोई दिक्कत बेटा ध्यान दो, यहां यहां ये क्या है यल और ये क्या है, इसके बाद क्या करते हैं इक्वेशन। तो पहले किसका इक्वेशन आई का, आई बराबर क्या होता है प्रज्ञान, उसके बाद किसका समीकरण होता है वीएल। चलो बताओ वीएल बराबर याद हो गया ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा इक्वेशन वन इक्वेशन टू इक्वेशन थ्री, कोई दिक्कत। उसके बाद क्या बनाएंगे ग्राफ। अच्छा एक चीज और, ग्राफ केवल एक एक डिवाइस वाले में जरूरी है, एक से ज्यादा वाले में ना बनोगे चले ठीक है, लेकिन हम बने दिखा देते हैं ग्राफ। देखा कैसे बने प्रज्ञान, पहले धारा का बनाया करो बेटा, धारा का ऐसे यहां आई नाट लिख दिया करो, मतलब समझ में आ जाएगा देखने वाले को आपने धारा का ग्राफ बनाया है। फिर उसके बाद किसका बनाओगे रियल रिसर्च चलेगा याद है, यहां लिख दिए वीआर, फिर किसका बेटा वीआर वही आई वाला तरह लिखा जैसे ये कोई डाउट ग्राफ बन गया कि नहीं बेटा, कितने वर्णन हो गए चार हो गए, अभी इसका कौन सा वर्णन बचा बेटा वेक्टर, इन दोनों अब जितने भी होंगे सब में वेक्टर डिस्क्रिप्शन होगा और यही इंपॉर्टेंट हो जाता है जहां वेक्टर आ जाता है, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस का फार्मूला लाना होता है। और ध्यान से देखो इम्प्लेडी कहते हैं जब जो है एक से ज्यादा डिवाइस हो जाए तो रेजिस्टेंस को प्रतिबाधा ठीक है। तो अब यहां पर देखो जरा इसका वेक्टर निरूपण ठीक, वेक्टर निरूपण ठीक है बेटा। तो देखो कौन कौन है इसमें रियल है आर है, यही है ना बेटा रियल है और तो आर का भी वेक्टर बताए कैसे बनता है एक्स के अलावा, ये ऐसे दिखा दे रहे हैं यहां ओ ए द्वारा वी आर, कोई डाउट। और वीएल है ना, वीएल किधर बनता है ओ बी द्वारा वीएल, क्या वेक्टर है दोनों को परिणामी बताना होगा ना। तो बेटा अगर दो वेक्टर जोड़ने होते तो जहां से पहला वेक्टर समाप्त होता है वहीं से दूसरा स्टार्ट कर देते हैं, ये वाला यहां जरा कर दीजिए जोड़ने के लिए, ये वीएल है पहले वेक्टर के कुछ को टेल को दूसरे वेक्टर के हेड से मिला दिए, तो यही रिजल्ट टाइम वेक्टर भी आ जाता है कि नहीं, ये एलआर परिपथ का रिजल्ट टाइम वोल्टेज है और जो फिगर बना के आएगा यही डेरिवेशन होने हैं। तो ध्यान से देखो अगर जो है फिगर से चित्र से देखो जरा V का मान जानना चाहे V स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, कोई डाउट बेटा समझ आ रहा है कि नहीं, वीआर स्क्वायर बराबर क्या दिख रहा है चित्र में, एक वेक्टर वीआर इधर दिखाए वीआर इधर दिखाए, दोनों जोड़ना था परिणामी वोल्टता आती एलआर परिपथ की वोल्टेज आएगा परिणामी, तो वीआर इधर गया वीएल इधर गया तो इन दोनों वेक्टरों का परिणामी ऐसे ही प्राप्त होगा, समकोण त्रिभुज की कहानी है। तो वी स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर एल प्लस वी स्क्वायर आर, उसके बाद सिद्धांत बताएंगे। सिद्धांत दोनों तरफ हर सवाल में यही करेंगे जो बता रहे हैं,
दोनों तरफ आई जीरो स्क्वायर से भाग, किससे भाग बेटा? वी बटा आई जीरो होल स्क्वायर, वीएल बटा आई जीरो होल स्क्वायर, वीआर बटा आई जीरो होल स्क्वायर। प्रज्ञान बेटा कोई डाउट? अच्छा प्रज्ञान खड़े हो, ओमसला पढ़े हो? ओमसला क्या होता है सर? नहीं बस शॉर्ट में बताओ, फार्मूले के रूप में वी इक्वल आई आर होता है बेटा। ये मतलब इस ओमसला को दिमाग में फिट करो, किसमें? वोल्टेज इक्वल करंट इनटू रेजिस्टेंस, ठीक याद हो गया? वोल्टेज इक्वल, अब बेटा करंट नीचे ला दे तो वोल्टेज अपान करंट क्या होगा? पक्का? तो यहां देखो वोल्टेज अपान करंट है कि नहीं, तो यहां रेजिस्टेंस होगा कि नहीं? रेजिस्टेंस माने आर, पक्का? ये VL माने L परिपथ का वोल्टेज और नीचे करंट, तो वोल्टेज अपान करंट हम तो जानते हैं रेजिस्टेंस होता है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले याद करो L परिपथ के रेजिस्टेंस को क्या नाम दिए थे? XL, और C परिपथ के रेजिस्टेंस को XC। तो माने वोल्टेज अपान करंट बराबर रेजिस्टेंस, लेकिन यहां वोल्टेज L परिपथ वाला है तो रेजिस्टेंस L परिपथ वाला रहेगा, XL रहेगा, ऊपर स्क्वायर है स्क्वायर लिखा रहेगा। अब ये भी वोल्टेज अपान करंट है तो ये भी तो रेजिस्टेंस होना चाहिए, लेकिन ये कैसा वोल्टेज है? इट इज द वोल्टेज रिजल्टेंट वोल्टेज ऑफ LR सर्किट, ये LR सर्किट का रिजल्टेंट वोल्टेज है। और बच्चों आपको बता दें, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया था कि किसी भी एसी सर्किट में जब एक डिवाइस लगी होती है तो रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस कहा जाता है। जैसे L परपथ के लिए इंडक्टिव रेजिस्टेंस XL, C परपथ के लिए कैपेसिटिव रेजिस्टेंस XC, R परपथ के लिए केवल रेजिस्टेंस R, लेकिन जब एक से ज्यादा डिवाइस हो जाती है तो उसको इंप्लक्शन कहते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। जेड मतलब रेजिस्टेंस ही है लेकिन एसी सर्किट का रेजिस्टेंस है, ठीक? हिंदी में प्रतिबाधा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ठीक है, तो यहाँ V क्या है? LR सर्किट का LR सर्किट का वोल्टेज, और I क्या है? करंट, तो वोल्टेज अपॉन करंट रेजिस्टेंस, और Z बराबर, और आपको बताना चाहूंगा कि हर सर्किट में दो डेरिवेशन छोटे छोटे किए जाते हैं, एक रेजिस्टेंस निकालने का माने Z निकालने का, हर सर्किट में क्या निकाला रहेगा? Z, और एक जो है कला फेज टैन फाई वाला, मतलब हम फाई निकालेंगे टैन इनवर्स करके अपने आप निकाल देंगे, यही है कला, मतलब दोनों के बीच का एंगल, मतलब ये जो रिजल्टेंट वोल्टेज है इसका एक्स के साथ झुकाव। तो अब देखो यहां से टैन थीटा बराबर बेस अपान हाइपोटेन्यूस अपान बेस, क्या चित्र दिखाई दे रहा है? वीएल अपान यही ना, और आगे बढ़ो टैन इनवर्स वी वोल्टेज बराबर धारा गुणे रेजिस्टेंस, अब यही बताए थे ना, तो वी इक्वल आई इनटू एक्सएल धारा गुणे रेजिस्टेंस, नीचे वी आर आई इनटू आर, आई से आई कट गया, क्या आ गया? फाइव बराबर टैन इनवर्स एक्सएल अपान आर, ये किस सर्किट के लिए है? अब बच्चों इतना पढ़ाना पड़ेगा LR सर्किट के लिए, ध्यान से देखो जरा। सबसे पहले आप कुछ खड़े हो, क्या बताए बेटा? डेफिनेशन, तो LR परपथ की डेफिनेशन बताओ। जब किसी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से कोई प्रेरण को निकली या प्रतिरोध जुड़ा हो तो उसे क्या कहते हैं? फिर उसके बाद फिगर बनाए कि नहीं? कहां बनाए फिगर? L बना दिए और फिर क्या बताए बेटा? इक्वेशन, किसका इक्वेशन? पहले आई का इक्वेशन तो ऐसे लिख देंगे, चूंकि यहाँ L है तो VL बराबर 90 माइनस VC बराबर VR बराबर वही थी, फिर उसके बाद ग्राफ बनाए, ग्राफ ये बना, फिर वेक्टर निरूपण, तो वेक्टर जो है VR का, चूंकि हमारे पास दो है L और R, तो R तो x एक्सिस के लांग और L जो है 90 डिग्री के एंगल पर, तो दोनों का रिजल्टेंट V बराबर, ये फार्मूले से निकाल दिए और आप समझ रहे हो कैसे निकाले हैं, ठीक है? कोई दिक्कत? जल्दी से नोट करो। सी आर परपथ से क्या समझते हो? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट सी आर परपथ? सही है, बस सिंपल सी है और क्या, यही तो डिफरेंस बता रहे हैं। कठिनाई कैसे होती है?
सच टाइप ऑफ सर्किट इन विच अल्टरनेटिंग सोर्स इज कनेक्टेड विद कैपेसिटेंस एज वेल एज रेजिस्टेंस। जिस प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में संधारित्र और वैद्युत परिपथ दोनों जुड़े हों उसे सीआर परिपथ कहते हैं। फिगर कैसे बनेगी ध्यान से देखिए, आर जोड़ दिए और प्रज्ञान सिंह ये क्या जोड़ दिए हैं, सीआर परिपथ हो गया। अब इसके बाद क्या बनाते हैं इक्वेशन, पहले किसका इक्वेशन देते हैं आई का, आई बराबर आई डॉट साइन नेगेटिव हो गया, उसके बाद सी है और आर है, तो आर का तो भी जीरो साइन में गति लेकिन सी का क्या होगा प्लस 90, प्लस 90 हो गया पक्का। फिर क्या बनाते हैं ग्राफ, तो ग्राफ में बेटा आई और आर के ग्राफ तो देख ही रहे कैसे बना है, ऊपर आई का है नीचे किसका है आर का, किसका बनाना है अभी ऊपर से ले ये सी, कोई डाउट बेटा। उसके बाद किसका डिस्क्रिप्शन होता है वेक्टर, वेक्टर में किसका किसका वेक्टर बनाए आर का बनाए और सी का, आर कैसे बनता है एक्स अक्ष के अनुदिश, तो ये जो है ओए बराबर बी आर, कोई डाउट किसी को, और आप किसका बनाए बेटा सी का, तो सी किधर रहेगा हाँ और परपेंडिकुलर माने ऐसे ओ बी वी सी, कोई डाउट दोनों वेक्टर जोड़ना है कैसे जुड़ेगा, याद करो दोनों वेक्टर जोड़ना है कैसे जुड़ेगा, ये वाला वेक्टर यहां ड्रा कर दे, पहला वेक्टर जहां समाप्त होता है वही दूसरा स्टार्ट कर देते हैं, ये हमारा ओबी है दोनों को मिला दे पहले वेक्टर के पुच को आखिरी वेक्टर के सी से, तो यही रिजल्ट टाइम वेक्टर भी हो जाएगा कि नहीं, यही हो जाएगा तो क्या रिजल्ट टाइम वेक्टर भी, देखो फिगर से ये हाइपोटेनियस दिख रहा है तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस ये क्या है परपेंडिकुलर का स्क्वायर, कोई डाउट समझ आया। उसके बाद हमने क्या बताया दोनों तरफ आई आर स्क्वायर डिवाइड करते, कोई दिक्कत किससे डिवाइड करते आई आर स्क्वायर डिवाइड किए तो ये वी आर बटे आई आर, ये वी सी बटे आई आर, कोई डाउट देखो वी आर बटे आई आर वोल्टेज अपॉन करंट बराबर रेजिस्टेंस, तो ये आर हो गया बेटा, यहां वोल्टेज अपॉन करंट रेजिस्टेंस होगा लेकिन कौन से सर्किट का, सी सर्किट का, सी सर्किट के रेजिस्टेंस को किससे लिखते हैं, और ये भी क्या है रिजल्टेंट वोल्टेज ये सी आर सर्किट का, इसको जेड से लिखते हैं तो जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, हो गया रूट हो गया बेटा। अब उसके बाद यहां देखो ये रिजल्टेंट वोल्टेज एक्स अक्ष के साथ जो एंगल बनाए उसी को फाई कहते हैं, तो फाई बराबर टैन इनवर्स ये अपान ये मतलब वीसी अपान ये जा रहा है, और वीसी माने वी माने आई वोल्टेज बराबर करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो आई टू एक्स आई से आई कट गया ये एक्स सी अपान आर, कौन सा सर्किट हो गया। अच्छा एक चीज बताइए यह सर्किट पढ़ा आपने सी पढ़ा आर पढ़ा एल आर पढ़ा और ये उसके बाद एलसी तब फिर एलसी यार अभी एलसी है ना, तो इसको एलसी सर्किट पर बता दो कब जल्दी कर लो जल्दी कर लो खत्म हो रहा है ना, एक बार से समझ लीजिए अगर हमसे पूछा जाए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट एलसी सर्किट, सच टाइप ऑफ अल्टरनेटिंग सर्किट इन विच अल्टरनेटिंग सोर्सेज कनेक्टेड फ्रॉम इंडक्टिव कॉइल एयर एंड कैपेसिटेंस, एक ऐसा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें प्रत्यावर्ती धारा स्रोत प्रेरण कुंडली और संधारित्र से जुड़ा हो उसे ही हम ईएलसी सर्किट कहते हैं। फिगर बनाएंगे प्रत्यावर्ती धारा स्रोत बना देंगे ये प्रेरण कुंडली बना देंगे ये लिख देंगे संधारित्र बना देंगे से लिख देंगे, और बच्चों उसके बाद फिगर बनाने के बाद हमें इक्वेशन देना होता है धारा का और वोल्टेज का, तो धारा का इक्वेशन आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी एक समीकरण हमेशा रहता है, और अब वीएल और वीसी का इक्वेशन बताना हो तो वीएल का इक्वेशन हम जानते हैं 90 पश्चगामी माइनस 90 और वीसी का 90 प्लस, ये क्या हो गया इक्वेशन आ गया। ग्राफ बनाने के लिए पहले धारा का ग्राफ बनाए
फिर जो है बीसी का ऊपर से लाए और बीएल का नीचे से। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं बेटा, वेक्टर डायग्राम बनाते हैं। तो वेक्टर डायग्राम में बीसी ऊपर का वेक्टर बना ओबी द्वारा और ओए द्वारा बीएल, दोनों वेक्टर परस्पर कैसे हैं, विपरीत दिशाओं में है, इनका रिजल्टेंट इनके डिफरेंस के बराबर, माने बीएल डिफरेंस बीसी बराबर रिजल्टेंट वोल्टेज बी। अब इक्वेशन साल के बी बराबर बीएल डिफरेंस बीसी, आई नॉट से भाग दे दिए दोनों तरफ, वी अपान आई नॉट, वीएल अपान आई नॉट, बीसी अपान आई नॉट। हम लोग जानते हैं VC अपान आई डॉट माने C परिपथ का प्रतिरोध, जिसे हम XC से लिखते हैं। यहाँ VL अपान आई डॉट L परिपथ का रेजिस्टेंस, जिसे हम XL से लिखते हैं, और V अपान आई डॉट LC परिपथ का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस परिणामी प्रतिबाधा। Z बराबर XL डिफरेंस XC और दोनों के बीच का एंगल कितना है, लास्ट ट्रेडिंग तुरंत समझिए, तुरंत खत्म, हम भी रास्ते अपने आप। प्यारे बच्चों धीरे धीरे समझ के, 5 मिनट कष्ट शरीर को हो जाए, लेकिन अच्छा टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जरूरी टॉपिक है। ऐसा मैं समझाना चाहता हूँ कि इस पे रिलेटेड जो भी सवाले हैं इसमें वो आ सके, क्योंकि इसी पर से सवाले आती हैं। तो ध्यान से देखिए, एल सी आर परिपथ यही मेन है, ठीक है, एल सी आर परिपथ। जैसा कि जानते हो बच्चों, किसी भी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ या एसी सर्किट में 6 स्टेप नेसेसरी होते हैं, डेफिनेशन, फिगर, वेक्टर निरूपण, ग्राफ निरूपण, इक्वेशन निरूपण और डेरिवेशन जेड और फाई का, ठीक यही होता है। तो बेटा सभी लोग जान रहे हैं एलसीआर परिपथ की डेफिनेशन क्या होगी, वह प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ, देखो हम वीडियो जो बना रहे हैं इसमें बोलते जा रहे हैं, तो आप लोग जो लोग मन से परिभाषा नहीं लिख पाओगे वीडियो को पास करके उतार लोगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, वैसे समझाने सब लोग लिख लोगे और जो है नोट्स भी भेज देंगे। वह प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें, वह प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ प्रेरण कुंडली, संधारित्र वह बाह्य प्रतिरोध जुड़ा होता है, उसे हम एलसीआर परिपथ कहते हैं। सच टाइप ऑफ अल्टरनेटिंग सर्किट इन विच अल्टरनेटिंग सोर्स इज कनेक्टेड विद इंडक्टिव वायर एल, कैपेसिटेंस सी एज वेल एज रेजिस्टेंस आर इज नोन एज एलसीआर परिपथ। और प्रेरण कुंडली के सिरों की वोल्टता वीएल होती है, संधारित्र के सिरों की वोल्टता वीसी होती है और प्रतिरोध के सिरों की वोल्टता वी आर होती है। इधर क्लियर, तो यहां पर ध्यान से देखिए, ये प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है, इससे एक इंडक्टिव क्वायल जुड़ी है, एक संधारित्र जुड़ा है, एक बाह्य प्रतिरोध जुड़ा है और सब सीरीज में है। यह हमारा जो है एलसीआर परिपथ है, ये प्रेरण कुंडली है, संधारित्र है और बाह्य प्रतिरोध है। प्रज्ञान समझा लोगे यहाँ तक, समझ आ गया, फिगर बन गई प्रत्यावर्ती एलसीआर परिपथ की। अब यहाँ धारा व वोल्टेज के समीकरण, अंग्रेजी में इक्वेशन ऑफ करंट एंड वोल्टेज, अब इसके पहले वाले लिखे थे क्या होता है, याद करो, आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी, वी फॉर एल, वी एल इक्वल कोई डाउट, वी सी इक्वल VR इक्वल प्रज्ञान, प्रज्ञान ये सभी प्रश्न तो याद हो गए होंगे, इसलिए सब लिखा रहे हैं कि जिससे याद होते जाए, कोई दिक्कत अब से कर जाए, ध्यान दीजिएगा इसके बाद याद हो गया ना इतना। अब ग्राफ हमने बताया नहीं बनते हैं, चाहो तो बनाओ, ग्राफ वही 4 के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें एक ही एक हो, वेक्टर निरूपण LCR परिपथ का वेक्टर निरूपण, अंग्रेजी में क्या लिखेंगे प्रज्ञान, वेक्टर डायग्राम,
आप एलसीआर सर्किट लिख लोगे। कैसे बनता है वेक्टर? पहले चतुर्थांश बना दे, एक्स एक्सिस क्या चीजें हैं, तीनों का वोल्टेज का डायग्राम बनेगा, रेजिस्टेंस वाला डायग्राम हम ओ ए एक्स एक्सिस के अलावा नहीं समझ में। फिर सी वाला और कितने वेक्टर जोड़ने हैं? वी हैव टू रिक्वायर्ड एडिशन ऑफ थ्री वेक्टर्स। तो दो वेक्टर जोड़ के एक बना ले, अपने आप जुड़ जाएगा। देखो तीनों वेक्टर जोड़ना है, पहले ये वाला वेक्टर ड्रा कर दे रहे हैं, ऐसे बनाना जैसे बना रहे हैं। ये वी आर है, ये दोनों जस्ट अपोजिट हैं एक दूसरे के, तो इनका रिजल्ट एन बीटा जोड़े आ जाएगा। क्या होगा? इनके दोनों के डिफरेंस से बना, तो चाहे उधर बना तो चाहे इधर, दोनों में जो ज्यादा उसी की डायरेक्शन हो जाएगा। तो मान लेते हैं जो दोनों का रिजल्टेंट ये आया वीएल डिफरेंस वीसी। पहले पहला वेक्टर ड्रा किया वी आर, फिर इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आया है वीएल डिफरेंस वीसी, ये ड्रा कर दिए, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वही एलसीआर सर्किट का रिजल्टेंट वोल्टेज भी होगा। ये वेक्टर डायग्राम बन गया कि नहीं? कोई डाउट? ध्यान से देखो, वी आर, आर जो है हमेशा एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में दिखाया जाता है जिधर करंट रहता है, वी एल हमेशा जो है 90 पश्चिगामी, वी सी 90 फॉरवर्ड होता है। वी सी और वी एल ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए इनका रिजल्टेंट इन दोनों के डिफरेंस वी एल डिफरेंस वी सी के बराबर आ गया। इतना समझ में है? और अब ये दोनों मिलके एक वेक्टर हो गए और एक वेक्टर ये है, इन दोनों को जोड़ना है। पहले पहला वेक्टर ड्रा किए, पहले वेक्टर के हिस्से दूसरा वेक्टर ड्रा कर दिया, तो जुड़ नहीं जाएंगे दोनों। समझ आया? तो अब बेटा फ्रॉम फिगर माने चित्र के अनुसार, फ्रॉम फिगर आप लोग हिंदी वाले क्या लिखोगे? चित्र के अनुसार परिणामी वोल्टता, परिणामी वोल्टता माने रिजल्टेंट वोल्टेज। क्या? रिजल्टेंट वोल्टेज वी स्क्वायर कैसे दिया जाएगा? वी स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, वी एल डिफरेंस वी सी होल स्क्वायर प्लस। कोई असुविधा किसी को? दोनों तरफ किससे भाग दे दे? हिंदी अंग्रेजी दोनों झोंके पड़ा ही ध्यान दिया। भाग दे दे, सबके नीचे आई जीरो लग जाएगा। वी अपान आई नॉट होल स्क्वायर, वी एल अपान आई नॉट, वी सी अपान आई नॉट होल स्क्वायर, वी आर अपान आई नॉट। कोई दिक्कत देखा? यहां आप लोग लिखना ही है वी आर बटे आई नॉट आर, वी एल बटे आई नॉट प्रेरण प्रतिघात, एक्सएल प्रेरण प्रतिघात एक्सएल। आप लोग एक चीज और जानते रहिएगा, अभी हम अंग्रेजी सबको बता देंगे आपको प्रेरण प्रतिघात, ठीक? ऐसे लिखना बेटा, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। बी सी अपान आई नॉट भारतीय प्रतिघात, V अपान आई नॉट एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा। चलो अब सब वैल्यू प्रूव कर दें। जेड स्क्वायर बराबर एक्सएल डिफरेंस एक्स सी होल स्क्वायर
कोई दिक्कत? जेड बराबर कोई डाउट बेटा? फेज ये कैसे आएगा? टैन इनवर्स VL डिफरेंस VC अपान VR, यही तो दोनों तरफ INR से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा टैन इनवर्स VL अपान I माने XL डिफरेंस XC डियर स्टूडेंट्स दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। ये जो है LCR पंचपथ का डेरिवेशन जेड का और फाई का यही मेन है। अच्छा यहाँ एक चीज, एक मिनट पे रुको अपने अपने यहाँ बोर्ड पर ध्यान दो। अगर बच्चों ये पूरा डिस्क्रिप्शन आपको आता रहे तो इससे आप सभी अन्य पंचपथों का डिस्क्रिप्शन कर सकते हो। कैसे? ये मेन है। अगर हमसे कहे कि LR पंचपथ का वर्णन करो तो ऊपर से लेकर नीचे तक सी गायब कर दो। मतलब LCR परिपथ में अगर LR परिपथ का डिस्क्रिप्शन कहे तो ऊपर से लेकर नीचे तक सी गायब कर दो। मतलब यहाँ हटा दो, यहाँ वाला इक्वेशन हटा दो, यहाँ वाला ये वेक्टर हटा दो, यहाँ वाला ये हटा दो, ये हटा दो, ये वाला हटा दो, सारा फार्मूला आ जाएगा LR परिपथ का। और इसी से कहे LC परिपथ का डिस्क्रिप्शन करो तो पूरे परिपथ में R गायब कर दो। सी परिपथ का कहे तो सी परिपथ का कहे तो L और R दोनों गायब कर दो, और R परिपथ कहे तो L और C गायब कर दो, और जो है अगर L परिपथ पे कहे तो L और R गायब कर दो। इसी से सबके डेरिवेशन आ जाते हैं कि नहीं? फुली थोक के भाव में इस सूत्र पर सवाल है इस एक्सरसाइज में। तो आप जान रहे हो बेटा कि अब आप जान गए किसको क्या कहते हैं क्या नहीं, तो इससे न्यूमेरिकल आसानी से लगा लोगे। ठीक है, क्लियर कट समझ में भी आ जाएगा। तो ये हमारा